रसदी गुरु पाद पद्म परमारतम श्री श्रीमद भक्ति विधान श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में असंख्य कोटि धन्यवाद प्रणाम भी आपन करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदर्शित श्री श्री श्रीमद भक्ति विधान श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदर्शित श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली श्रद्धालु मातृवृंद समस्त के समस्त सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। एक समय किसी जंगल में किसी मृत व्यक्ति का शरीर पड़ा हुआ था और उसी मृत व्यक्ति को खाने के लिए एक भेड़िया वहां से गुजरा। जब भेड़िया उधर से गुजर रहा था जाते आते और उस व्यक्ति को अभी खाने के जा रहा है, मरा हुआ है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं और भेड़िया का तो भोजन होता है मृत व्यक्ति, तो उस मृत पुरुष को खाने के लिए वो भेड़िया जब जाने लगा उसी समय एक साधु वहां पर आ गया। वो साधु जैसे ही भेड़िया को वो मृत शरीर खाते हुए देखता है साधु उसे मना करने लगता है, बोले भेड़िया सुनो सुनो तुम ये मृत शरीर को मत खाओ। भेड़िया प्रश्न करने लगता है, बोले आप वो देखने से लगता है एक साधु हैं और साधुओं का कर्तव्य है जो भूखे हैं उनको भोजन प्रदान करना, जो दुखी है उनको किसी माध्यम से सुख की और अग्रसर करना, अरे ये यहाँ पर मृत शरीर पड़ा हुआ है इसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं और मैं जब इसे खाने के लिए जा रहा हूँ तो आप मुझे खाने से मना क्यों कर रहे हैं। साधु कहते हैं कि देखो ये जो मृत शरीर है ये जीवित अवस्था में इसने कोई पुण्य काम नहीं किया, ठाकुर जी ने इसे मानव शरीर प्रदान किया था, 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मानव शरीर और उसमें भी 2 पैर प्रदान किए जिनको लेकर भगवान के मंदिर परिक्रमा कर सकता था, ठाकुर के तुलसी परिक्रमा भागवत कथा में आ सकता था, लेकिन इसने उन दोनों पैरों को लेकर ऐसा कुछ काम नहीं किया। ये दोनों पैर जो तुम खाने जा रहे हो ये अपवित्र हैं, इसलिए ये अपवित्र भोजन खाकर तुम भी अपवित्र हो जाओगे, ये पैरों को मत खाना। शास्त्र वर्णन करते हैं पादो नृणाम तो द्रुम जन्म भाजो, कल हम श्रवण कर रहे थे अगर इन दोनों चरणों से ठाकुर की धाम परिक्रमा नहीं करी, तुलसी परिक्रमा नहीं करी, मंदिर परिक्रमा नहीं करी, भागवत कथा श्रवण करने के लिए नहीं आए, तब तो भैया इस जीवन में 2 पैर मिल गए हैं, अगले जीवन में चार मिलेंगे। ये शरीर अगर ठाकुर सेवा के लिए व्यवहार नहीं किया तो ये अपवित्र है। अभी भेड़िया थोड़ा ऊपर उठ के और हाथों को खाने के लिए जा रहा था, बोले भेड़िया तुम उन हाथों को भी मत खाओ, ये हाथ भी अपवित्र हैं। बोले क्यों, ये हाथ भी अपवित्र आप कह रहे हैं? हाँ, बोले इन हाथों से जब ठाकुर जी की सेवा नहीं हुई, यहाँ से यहाँ तक सोने के कंगन पहनकर बड़े सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, लेकिन यदि ठाकुर की सेवा में नहीं लगे, शावो करो न कुरुते लसत परियाम, वर्णन कर रहे हैं ये हाथ भी अपवित्र हैं। इन हाथों से तुमने जड़ जगत के लोगों की तो बहुत सेवा करी लेकिन कभी ठाकुर जी का मंदिर मार्जन नहीं किया, कभी ठाकुर जी के लिए सुंदर फूल की माला नहीं बनाई, उनके लिए भोग रंधन इत्यादि नहीं किया, तो तुम्हारे हाथ अपवित्र हैं। हे भेड़िया अगर तुम ये अपवित्र हाथों को खाओगे तुम भी अपवित्र हो जाओगे, ये हाथों को मत खाना। अभी भेड़िया ऊपर उठ के और उसका सिर खाने को आ रहा है, मुख खाने की ओर आया, तब साधु बाबा तब भी सावधान करने लगे, बोले नहीं नहीं वो मुंह भी मत खाओ, वो जो मुख तुम खाने के लिए जा रहे हो वो मुख भी अपवित्र है। बोले क्यों, बोले इस मुख से ये जो जिह्वा प्रदान की गई है इस जिह्वा से ठाकुर जी का नाम कीर्तन कर सकता था, मानव शरीर में ही एकमात्र ये सुयोग मिलता है राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे बोल सकते हैं। एक कुत्ते को एक सिंह को किसी भी पशु को अगर आप कृष्ण नाम राम नाम उच्चारण करने को कहो उसके लिए संभव नहीं है, लेकिन मानव शरीर प्राप्त होने पर भी इस जिह्वा से संसार की चर्चा तो खूब करी, 3-4 औरतें साथ में बैठ जाएं, इधर उधर की बातें करते करते घंटों निकल जाएंगे, लेकिन यदि राम नाम कृष्ण नाम जप करने को कहो वो इतना सहज में होता नहीं, तो ये जिह्वा भी अपवित्र है। शास्त्र कहते हैं जिह्वा असति धातुरी केव सुतर न च उपगायति उरुगाय गाथा, अरे तुमने इस जिह्वा से मेंढक की तरह टर 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 करते करते सारा समय व्यतीत कर दिया लेकिन कभी ठाकुर जी का नाम नहीं लिया, तुम्हारी ये जिह्वा असति, एक सती स्त्री अपने पति की ही सेवा करेगी लेकिन एक वैश्या
वो अनेक पुरुषों का संग करती है। अगर इस जिह्वा से ठाकुर जी का नाम कीर्तन नहीं किया तो तुम्हारी ये जिह्वा ये सती नहीं, जिह्वा असती, ये वैश्य सदृश है जिसने दुनिया जहान की चर्चा में अपना समय व्यतीत कर दिया लेकिन कृष्ण नाम नहीं लिया। ये कृष्ण नाम नहीं लिया, ये कान जो ठाकुर जी ने हमें प्रदान किए, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं अगर इन कानों से ठाकुर जी की कथा श्रवण नहीं करी, गोस्वामी जी कहते हैं जिनी हरि कथा सुनाई न काना, जिनी हरि कथा सुनी हरि दोने से कृष्ण कथा अमृत का पान नहीं कर रहे हो तो कहते हैं ये कान नहीं, ये सांप के निवास करने वाला बिल है। इस बिल में जहरीले संसार की कथा ये सर्प रूपी विषधर यहाँ पर निवास करता है। जिनी हरि कथा सुनाई नहीं काना, अगर इन कानों से ठाकुर जी की कथा श्रवण नहीं करी तो ये कान भी अपवित्र हैं। हे भेड़िया तुम ये कान भी खाना नहीं। विचार करके अगर देखेंगे तो ये मानव शरीर हमें सबसे सर्वोत्कृष्ट वरदान ठाकुर ने दिया है लेकिन इसको लेकर भी हम समय नष्ट कर रहे हैं केवल मात्र चार चीजों में। जानते हैं किस किस में? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। किसी तरह से भोजन ग्रहण करके और कैसे हम जीवित रह पाए उसके लिए समय व्यतीत करते हैं और किसके लिए बोले रात्रि होते ही शयन, निद्रा, सोने में समय व्यतीत कर रहे हैं और किसके लिए बोले संतान उत्पत्ति देने में। अगर थोड़ा विचार करके देखोगे ये चार काम शास्त्र कहते हैं खाना, सोना, बच्चों को जन्म देना और अपनी रक्षा के लिए चेष्टा करना, ये चार काम के लिए ही मानव प्राय करके व्यस्त रहता है और ये चार काम मनुष्यों में भी होते हैं। क्या एक पशु खाता नहीं है? क्या कुत्ता सड़क पे घूमता घूमता अपना आहार जो ग्रहण करता है क्या उसे खाना नहीं कहेंगे? जिस प्रकार की संतुष्टि हमको डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर कटलरी यूज करके दाल चावल अन्न पनीर खाकर मिलती है संतुष्टि, वैसी ही संतुष्टि एक कुत्ते को सड़क पे सूखी रोटी खाकर भी मिल जाती है। अगर आहार की दृष्टि से देखें मानव में और पशु में कोई भेद नहीं, समान है। निद्रा, यदि विचार करो कि हम अच्छे डनलॉप गद्दे के ऊपर एसी रूम के अंदर बहुत ही जकूजी बेड के ऊपर हम विश्राम करते हैं वहां पर अच्छी नींद होती है लेकिन ऐसा नहीं है। जैसी सोने के बाद में शरीर में ऊर्जा एक मानव को होती है उसी प्रकार एक पशु को भी होती है। सड़क पर सोए हुए कुत्ते को भी अगर आप सोने के बाद में जगाओगे वो संतुष्ट तृप्त महसूस करेगा और ठीक उसी प्रकार की स्वस्थता एक मानव को होती है। आहार, निद्रा ये दोनों समान है। यदि कहो कि भय, पशु अपनी रक्षा करना जानते हैं कि नहीं? एक कुत्ता सड़क पर अगर घूम रहा उसकी पूंछ खींच कर देखो पता चलेगा अपने आप की कैसे रक्षा करता है वो, है ना? जिस प्रकार एक पशु अपनी रक्षा करना जानता है हम भी हमारी रक्षा के लिए, मानव भी अपनी रक्षा के लिए बड़े बड़े घर बनाता है, सिक्योरिटी गार्ड रखेगा, जरूरत पड़े तो घर में हथियार भी रखता है ना? रक्षा के लिए हम व्यस्त रहते हैं। और मैथुन, बच्चों को जन्म देना, संतान उत्पत्ति करना। एक जानवर संतान उत्पत्ति करता है, मानव भी उसी प्रकार संतान उत्पत्ति करता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है लेकिन शास्त्र कहते हैं मानव जीवन श्रेष्ठ है। फिर क्यों श्रेष्ठ है? अगर ये चारों चीजें समान है तब श्रेष्ठ क्यों बतलाया? धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। शास्त्र कहते हैं धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो,
ये धर्म का याजन करना ये एक स्पेशल क्वालिटी है, ये एक विशेष गुण मानवों के अंदर प्राप्त हुआ है जो कि पशु नहीं कर सकते। कोई पशु यहाँ पर बैठकर भागवत कथा श्रवण नहीं कर सकता, कोई पशु यहाँ पर बैठकर कृष्ण नाम उच्चारण नहीं कर सकता, ये सुयोग केवल मात्र हमें प्रदान किया गया है। इसीलिए कल हम श्रवण कर रहे थे भागवत, मेरे द्वितीय प्रश्न जो स्वर्णकादि ऋषि सुत गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, द्वितीय प्रश्न क्या था बताओ जरा। सेकंड प्रश्न, उन्होंने छह प्रश्न किए थे, कल हमने छह प्रश्न श्रवण किए थे, द्वितीय प्रश्न क्या था माताएं पीछे बताओ। सुत गोस्वामी को स्वर्णकादि ऋषि छह प्रश्न करते हैं, उनमें से उसका दूसरा प्रश्न था कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सहज उपाय क्या है। इसीलिए श्रीमद् महाप्रभु वर्णन करते हैं, कलि काले नाम रूप कृष्ण अवतार नाम है तिहारे सब जग तन सार, नाम बिना कलि काले नाही आर महाप्रभु कहते हैं कलयुग के अंदर नाम रूपे नाम रूप में कृष्ण ने अवतार लिया है। यदि विचार करके देखोगे भगवान ने अनेक अनेक अवतार लिए हैं, सतयुग के अंदर कभी हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए नरसिंह अवतार भरा अवतार हुआ था, जब त्रेता युग आया तो भगवान ने राम रूप में अवतीर्ण हुए, लेकिन कलयुग के अंदर कहते हैं कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। अरे एक साधक जब जब भी अपनी जिह्वा से कृष्ण नाम उच्चारण करता है, राम नाम उच्चारण करता है, उसी समय पर उसकी जिह्वा पर साक्षात भगवान का अवतीर्ण हो जाता है, भगवान उसी समय पर उसकी जिह्वा पर अवतीर्ण होते हैं, जन्म लेते हैं। ये भगवान की महिमा है, भगवत नाम की इतनी महिमा है। सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं अकाम सर्व काम का मोक्ष काम उदार की। यदि किसी को विचार करे भगवान नाम करने से कृष्ण नाम करने से केवल मात्र मुक्ति प्राप्ति होती है, जिन लोगों को मोक्ष चाहिए वो ही केवल मात्र कृष्ण नाम जप कहते हैं। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, मोक्ष काम जिनको जिन लोग मुक्ति प्राप्ति चाहते हैं वो तो कृष्ण नाम जप करते ही है। उदाहरण देकर बता रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी मुक्त महापुरुष, जो जन्म से ही इतने महापुरुष थे, माँ के पेट से जन्म लेने के साथ साथ संन्यास लेकर वन की ओर चले गए, ऐसे महापुरुष मुक्त महापुरुष भी महाभागवत भी भगवत नाम का उच्चारण करते हैं। लेकिन यदि किसी के हृदय में कई सारी इच्छाएं हो, यदि किसी के बहुत सारी इच्छाएं हो, धन दौलत पुत्र परिवार दुकान मकान इस जड़ जगत की संपत्ति की अगर इच्छा हो तब भी कृष्ण नाम बड़ा ही लाभकारी है। इसीलिए भगवान नाम को तुलना दी है चिंतामणि के साथ में। चिंतामणि जानते हैं, चिंतामणि अर्थात भगवान के नाम जप करते करते जो भी हम चिंता करेंगे, जो भी हृदय में इच्छा होगी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी, भगवान नाम की इतनी महिमा है। इसीलिए कहते हैं अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारथी। यदि किसी को मुक्ति की इच्छा हो, यदि किसी को इस जड़ जगत की भोग लालसा की इच्छा हो, या फिर जिसके हृदय में कोई इच्छा भी ना हो, यदि कोई संसार की समस्त वासनाओं को परित्याग करके और केवल मात्र भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम प्राप्ति की इच्छा रखता हो, ऐसे महापुरुष को भी क्या करना चाहिए, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं पर, केवल मात्र भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करो, भगवान के नाम की इतनी महिमा है। और नाम यदि लगातार जप करे तो उसकी तो बात ही छोड़ दो, यदि कोई एक बार भी कृष्ण नाम ग्रहण करे, शास्त्र वर्णन करते हैं एक कृष्ण नाम से समस्त पापों का क्षय हो जाता है। एक शुद्ध कृष्ण नाम यदि कोई जप करे जीवन में जितने सारे पाप किए हैं सब दूरीभूत हो जाएंगे और आपको आनंद ही आनंद प्रदान करेगा। सभी एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। एक बार और जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे। जो लोग पीछे बैठे हैं किसी कारणवश बोल नहीं पाए, एक बार और सुयोग मिल रहा है, कुछ अगर नुकसान होता है तो मुझसे भरपाई ले जाना।
फायदा हुआ तो सब आपका। जोर से भगवान नाम लेने में कोई कष्ट हुआ? किसी का कुछ पैसा खर्चा लगा? कहते हैं भगवान नाम बड़ा ही सुलभ है। श्रीमद् महाप्रभु स्वयं वर्णन कर रहे हैं, नाम नाम कारी बहुदा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्देव दृश्यं विहाजनी नानानुराग। महाप्रभु कहते हैं कि मेरे मैंने अपने नामों में सर्वशक्ति को विद्यमान कर दिया है और मेरा एक नाम नहीं अनंत नाम है, राम कृष्ण मुकुंद मधुसूदन गोपाल हरि। भगवान के तो कितने नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम श्रवण किया होगा आप लोगों ने, और कृष्ण ने तो जैसी जैसी लीलाएं करी है उसके अनुरूप उनके एक एक नाम भी हो गए हैं। किसी भी नाम का आश्रय ले लो, नाम नाम कारी बहुधा। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बड़े सुंदर एक कीर्तन रचना करते हैं, हरी नाम तुआ अनेक स्वरूपा, हरी नाम तुआ अनेक स्वरूपा, यशोदा नंदना आनंद एक नहीं अनंत नाम है। और उसके साथ साथ भगवान ने क्या किया, उसके अंदर सर्व शक्ति भी विद्यमान कर दी। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति, अपनी समस्त शक्तियों को भगवान ने उसी नाम के अंदर रख दिया। आप यहाँ तक के शास्त्र वर्णन करते हैं, हरि से बड़ा हरि का नाम है। भगवान नाम में भगवान से भी ज्यादा शक्ति है। आप लोगों ने रामायण देखा होगा, हनुमान जी ने जब अथाह समुद्र को पार करने के लिए कोशिश कर रहे थे, केवल मात्र एक बार जय श्री राम, केवल मात्र राम नाम का आश्रय लिया और समुद्र को लांघकर पार कर गए। लेकिन उसी समुद्र को पार करने के लिए स्वयं राम को सेतु की आवश्यकता पड़ी। सेतु की आवश्यकता पड़ी है ना। भगवान ने क्या किया, जब स्वयं समुद्र पार करने के लिए जा रहे हैं, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, तो युक्ति की गई है कि सेतु बनाएंगे। दो पत्थर लिए, एक पर रा लिखा एक पर मा लिखा, और दोनों पत्थरों को जब फेंका तो उसी पत्थरों के जुड़ने से सेतु का निर्माण हुआ। साक्षात राम को आज सेतु बांधकर समुद्र पार करना पड़ रहा है, लेकिन उसी राम नाम का आश्रय लेकर हनुमान जी सहज में पार हो गए। राम से राम नाम की महिमा यहाँ पर दिखा रहे हैं, राम नाम में ज्यादा शक्ति है। द्रौपदी का जिस समय चीरहरण हो रहा था, जब दुशासन द्रौपदी को घसीटते हुए केश पकड़कर और वहां सभा में ले आया, द्रौपदी इतनी क्रोधित होकर और अपने पतियों की ओर आशा भरी निगाह से देख रही थी। पांच मेरे पति हैं यहाँ पर, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, सर्वश्रेष्ठ भाला युद्ध, सर्वश्रेष्ठ तलवारबाजी में, लेकिन सारे पति पंच पांडव वहां पर सिर नीचे करके लेते हुए, इतनी दयनीय स्थिति वहां पर सबकी ओर आशा भरी निगाहों से देखती है द्रौपदी। विचार करती है यदि पतियों ने रक्षा नहीं करी तो यहाँ पर गुरुवर्ग हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य सभी वहां पर विराजमान थे, सभी की ओर आशा भरी निगाहों से देखती है, तब पर भी किसी ने रक्षा नहीं करी। राजा वहां पर साक्षात विराजमान थे, लेकिन तब पर भी किसी ने रक्षा नहीं करी। अंततः जब दोनों हाथ उठाकर हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारी, केवल मात्र गोविंद को बुलाया, भगवान थे द्वारका में, लेकिन वहां से दौड़े दौड़े चले आए, वस्त्र रूप में प्रकट हो गए, वस्त्र रूप में वहां पर प्रकट होकर द्रौपदी की रक्षा करी। भगवान नाम की इतनी महिमा है, केवल मात्र नाम उच्चारण करने के साथ साथ में वहां पर प्रकट हो गए प्रभु। एक बार नहीं, शास्त्र में अनंत अनंत उदाहरण देकर बतलाया है, जल डूबत गजराज पुकारो आए आधे नाम,
श्री राधे राधे जल डुमत गजराज पुकारो आए आधे नाम राधे राधे नामी को चिंता रहती है नामी को चिंता रहती है नाम न हो बदना हरि से बड़ा हरि का नाम हरि से बड़ा हरि का नाम प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम हरि से बड़ा हरि का नाम। जब जल में डूबते हुए उस हाथी ने केवल मात्र भगवान की ओर एक कमल पुष्प उर्ध्वमुखी करके और नारायण पूरा नाम भी उच्चारण नहीं किया, केवल मात्र दो अक्षर उच्चारण किए थे, भगवान साक्षात वैकुंठ को परित्याग करके उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हुए। सुदर्शन चक्र को भेज कर और वहां पर मगरमच्छ का सिर काट दिया, गज का उद्धार किया। भगवान नाम से ही ना, भगवान नाम की इतनी महिमा है, समस्त शक्ति उस भगवान नाम में विराजमान। लेकिन हम इतने दुर्भाग्य जीव हैं, श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं कि इतना करुणामय भगवत नाम होने के बाद भी, सर्वशक्ति उसके अंदर विद्यमान रहने के बाद भी ये जीव भगवान नाम उच्चारण नहीं करता, भगवान नाम लेना नहीं चाहता। अरे सतयुग के अंदर जो फल तपस्या करके करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करके प्राप्त होता था, त्रेता युग के अंदर जो फल यज्ञ करके प्राप्त होता था, द्वापर युग के अंदर जो फल केवल मात्र भगवान का अर्चन करने से प्राप्त होता था, वो एक बार कृष्ण नाम एक बार राम नाम लेने से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें उस चीज का विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं होता, शास्त्र के वचनों पर विश्वास नहीं होता, कैसी विडंबना है। श्री युधिष्ठिर महाराज वर्णन करते हैं, इससे ज्यादा आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है कि भगवान का नाम इतना सुलभ इतना मंगलमय भगवान का नाम प्रदान कर दिया गया है। सुलभम भगवत नामम जिह्वाच वशवर्तिना तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्यमत परम। युधिष्ठिर महाराज से जब यक्ष ने प्रश्न किया, इस जड़ जगत में कुछ आश्चर्य की बात बताओ, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कई सारे आश्चर्य हैं, लेकिन उसमें से एक आश्चर्य क्या है, बोले सुलभम भगवत नामम, ये भगवान का नाम अत्यंत सुलभ है। ठाकुर जी ये नहीं कहते कि मेरा नाम ग्रहण करने के लिए तुमको पैसा देना पड़ेगा या किसी निर्दिष्ट समय पर जप करना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में ही जप करो, त्रिसंध्या जप करो, ऐसा भी नहीं। जब तुम्हारे पास समय हो उसी समय पर जप करना आरंभ कर दो। सुलभम, यहाँ तक कि पवित्रता अपवित्रता का भी विचार नहीं रखा। जब भी अरे सवेरे घाट में जब सोकर उठे हो उस समय तो अपवित्र अवस्था में हो, तब पर भी यदि भगवान का नाम लोगे तो भी चलेगा, तब भी कल्याणकारी है। इतना सुलभ कर दिया, जिह्वा च वशवर्तिना, ये जिह्वा भी हमारे कंट्रोल में है, है कि नहीं, है कि नहीं है। अगर इस जिह्वा से हम कहेंगे कृष्ण नाम लो राम नाम लो, ये वही करेगी। अगर इस जिह्वा से कहा जाए कि तुम संसार की चर्चा करो इधर उधर की बातें करो, तो इधर उधर की बातें करेगी। तो हमारे वश में है सुलभम भगवत नामम जिह्वा च वशवर्तिना, लेकिन तब पर भी तथापि नरकम यान्ति, अरे फिर भी ये मानव नरक की ओर जा रहा है, भगवान नाम का आश्रय ना लेकर और नरक की ओर यदि गति कर रहा है, तो इससे ज्यादा आश्चर्य की बात क्या हो सकती है। हम लोग इतने दुर्भाग्य हैं, भगवान नाम के ऊपर विश्वास नहीं होता। डेली लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर की खबरों पर विश्वास होता है ना, टीवी में जो कुछ भी दिखाते हैं उस चीज को हम सहज में ग्रहण कर लेते हैं, उस पर विश्वास हो जाता है, लेकिन भगवान नाम पर विश्वास नहीं होता। भगवान नाम की इतनी महिमा श्रवण करने पर भी उस पर विश्वास नहीं होता, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए सज्जन विचार करेंगे, भगवान नाम की तो अनेक कीर्ति है, लेकिन इसको विश्वास करके यदि अपने जीवन में अपना लिया, तब जाकर ही हमारा जीवन सफल होगा। बोलो श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की। भगवान नाम की बड़ी सुंदर रूप में महिमा वर्णन करने के बाद में श्री शुद्ध गोस्वामी भागवतम के अंदर जो 24 अवतार वर्णन किए हैं, उन 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। भगवान ने भागवतम के अंदर विशेष करके 24 अवतारों का वर्णन आया है। सर्वप्रथम भगवान का अवतार है श्री चतुसन। ये चतुसन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। चार मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन और सनक कुमार। जब ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का आदेश दिया
उसी समय पर इन्होंने अपने मन से इन चार पुत्रों की सृष्टि करी और इनकी उम्र थी 5 साल। अभी ठाकुर जी ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाओ, ठाकुर जी का आदेश है सृष्टि करने का, लेकिन चतुसन ने कहा कि हम संसार में फंसना नहीं चाहते, हम ये गर्भगृहस्थी में फंसना नहीं चाहते, हम कभी भी संसार में नहीं जाना चाहते, हम सब समय ठाकुर जी की कथा कीर्तन उसी में ही व्यस्त रहना चाहते हैं। ब्रह्मा जी तो क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर उन्हें अभिशाप दे दिया, बोले जाओ मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ, तुम्हारी सब समय उम्र बढ़ेगी ही नहीं, तुम सब समय 5 वर्ष के ही रहोगे। चतुसन तो प्रसन्न हो गए, भैया जो बच्चे रहते हैं आराम से आनंद में खेलते कूदते हैं, जिम्मेदारी तो बड़े लोग के ऊपर होती है ना, तो बड़े लोग जब होंगे तब, अगर बड़े होंगे तब जाकर हमारे ऊपर जिम्मेदारी होगी, हम तो सब समय इसी वयस में रह के इसी उम्र के रह के और कृष्ण कथा मात्र एक जीवनम, केवल मात्र कृष्ण कथा ही श्रवण करेंगे, कृष्ण कथा ही कीर्तन करेंगे। श्री भागवत के महात्म में वर्णन आया है चतुसन ने ही नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य को ये कथा श्रवण करवाई। अगर कोई श्रोता रूप में विराजमान है तब तो ये कथा कीर्तन करते हैं, अगर कोई श्रोता ना हो तो एक भाई बैठ जाता है व्यास आसन पर और दो बाकी 3 भाई सामने बैठकर कथा श्रवण करते हैं, कथा का कीर्तन कथा का श्रवण ये ही उनका जीवन है। और सच में इनकी उम्र 5 साल रहती है, इनकी उम्र सब समय 5 साल रहती है, इनकी आयु क्षय नहीं होती है। हरे कृष्णा, सब इधर देखो उधर क्या देख रहे हो, इनकी उम्र चतुसन की उम्र सब समय 5 साल रहती है, 5 साल से इनकी उम्र बढ़ती नहीं। प्रश्न होता है इनकी उम्र बढ़ती क्यों नहीं, तब इसका उत्तर देते हैं कि इन्होंने कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन करते करते अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए भागवत कहता है आयुर्हर दिवै पुंसा उद्यन अस्तंचयन सो तस्य तेयम शनो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई अपना समय कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन करते करते व्यतीत कर रहा है तो उसकी उम्र उसका समय सदुपयोग हो रहा है। हम कहते हैं ना हम 40 साल के हो गए 50 साल के हो गए, हमारा बेटा आज 20 साल का हो गया, विचार करके देखो उसकी परमायु में से 20 साल कम हो गए या आज वो 20 साल बड़ा हुआ है। हम लोग जितने जितने बड़े होते जा रहे हैं उतने ही मृत्यु की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, हम कोई बढ़ नहीं रहे, हम सब घटते जा रहे हैं, हमारी उम्र घटती जा रही है, हम सब वही काल के मुख की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। इसलिए जन्म तिथि नहीं, ये तो विचार करने का दिन है कि मानव शरीर प्राप्त हुआ श्रेष्ठ योनि, लेकिन तब पर भी कहां समय जा रहा है। भागवत कहता है उद्यन अस्तंच यन्नसो, अरे पूर्व दिशा से सूर्य जब उदित होता है पश्चिम में ढल जा रहा है, एक दिन पूरा व्यतीत हुआ लेकिन और हम एक दिन मृत्यु की ओर अग्रसर हो गए, हमारा हम बड़े नहीं हुए, हमारी उम्र घटती जा रही है, इसीलिए क्या करना होगा, बड़े समय का सदुपयोग करना होगा। तस्यर्थे यम क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया, अगर कोई भगवान उत्तम श्लोक की कथा कीर्तन करते करते अपना समय व्यतीत करता है तो उनकी उम्र क्षय नहीं होती, उनका समय नष्ट नहीं होता। जैसे चतुसन, ये चतुसन सब समय 5 साल की उम्र ही इनकी रहती है, क्यों, क्योंकि कृष्ण कथा मात्र एक जीवनम, कृष्ण कथा करते करते अपना समय व्यतीत करते हैं, इसीलिए भगवान का प्रथम अवतार है ये चतुसन। द्वितीय अवतार है भगवान का वराहदेव। वराहदेव आप लोगों ने श्रवण किया होगा, वराहदेव एक उन्होंने शुक्र योनि को आश्रय लेकर और अवतार ग्रहण किया। बोले ऐसा क्यों किया, बोले हिरण्याक्ष जिस समय पर पृथ्वी को लेकर रसातल में ले गया था वहां से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया। इसलिए देखो शास्त्र कहते हैं संध्या के समय पर 4 काम नहीं करने चाहिए, बहुत ध्यान देकर सुनो, संध्या के समय पे 4 काम नहीं करने चाहिए, कौन कौन से, सबसे पहला है संध्या के समय पर खाना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, अगर कोई संध्या के समय पर भोजन करता है उसका उदर रोग कभी ठीक नहीं होगा, पेट सब समय गड़बड़ रहेगा, उसका पेट कभी ठीक नहीं रहेगा, संध्या के समय पर भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा बोले संध्या के समय पर कभी भी सोना नहीं चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, अगर किसी के घर में संध्या के समय पर कोई सो रहा है कभी भी लक्ष्मी नहीं रहेगी, घर में दरिद्रता
आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी, संध्या समय पर कभी भी सोना नहीं चाहिए। तीसरी चीज, संध्या के समय पर कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए, लिखाई पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। संध्या के समय पर शास्त्र इत्यादि अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन ये जागतिक शिक्षा कभी भी पढ़नी नहीं चाहिए। हम कहते हैं ना, बच्चा तो बड़ा लिखाई पढ़ाई करता है, लेकिन तब पर भी एग्जाम में जाकर सब भूल जाता है। क्यों? हो सकता है वो संध्या समय पर अध्ययन कर रहा हो। संध्या समय पर अध्ययन कर रही हुई कुछ भी वस्तु धारण नहीं रहती, वह बुद्धि में नहीं रहती, निकल जाती है। और सबसे चौथी चीज लास्ट कहते हैं, संध्या के समय पर पति और पत्नी दोनों को सहवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय पर शंकर जी अपने अनुचरों को लेकर भ्रमण करते हैं। एक समय दिति ने क्या किया, वहां पर कश्यप ऋषि से मिलने के लिए संध्या के समय पर चेष्टा करी, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, और अपना स्वरूप जब आईने में देखा, इतनी कामातुर हो गई, वो सहज नहीं कर पाई, सहन नहीं कर पाई, और उसने क्या किया, बोले कश्यप ऋषि से अनुरोध कर रही है, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। कश्यप ऋषि कहने लगे कि शमशान से उठा हुआ जो भगूरा, उसे अपने तन पर आवृत करके शंकर जी कृष्ण नाम कीर्तन करते करते घूम रहे हैं, अरे दो आंख वाले से मत डर, कम से कम तीन आंख वाले से तो डर, ये समय ठीक नहीं, इसीलिए इस समय पर तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने कश्यप ऋषि की बात नहीं सुनी, इतनी कामातुर हो गई थी, जोर जबरदस्ती करके अपने पति से मिली। उसी समय पर कश्यप ऋषि कहने लगे कि देखो दीदी, तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हारे गर्भ में राक्षस जन्म लेंगे, और तुम्हारे गर्भ से जो दोनों राक्षस जन्म लेंगे, पूरी पृथ्वी पर उन्हें पूरा उत्पीड़न कर देंगे पूरी पृथ्वी को। जब इस प्रकार के वचन सुने कश्यप ऋषि के मुख से, दिति ने क्षमा याचना करी, बोले प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इतनी कामातुर हो गई थी कि मैं अपने को रोक नहीं पाई। क्षमा याचना करने पर कश्यप ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि देखो, तुम्हारे पुत्र तो निश्चित रूप में राक्षस ही होंगे, लेकिन तुम्हारा पौत्र जो पोता होगा वो प्रहलाद भक्त, भक्त शिरोमणि, बोलो श्री प्रहलाद महाराज की। कश्यप ऋषि के आशीर्वाद से ही श्री प्रहलाद महाराज भक्तों में शिरोमणि हो गए। इसीलिए ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जब ये दिति के गर्भ में थे, कई वर्षों तक दिति ने कश्यप ऋषि के वीर्य को अपने गर्भ में धारण करके रखा, लेकिन इनके प्रताप से त्रिभुवन में अंधकार फैलता जा रहा था। और जब इन दोनों का जन्म हुआ, जन्म के साथ साथ ही इन्होंने विराट आकृति धारण कर ली, इतना विराट स्वरूप धारण किया। उसी समय पर हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर और रसातल में ले गया। अभी सृष्टि करनी है, करेंगे कहाँ, पृथ्वी तो है ही नहीं। ब्रह्मा जी उसी समय पर चिंता कर रहे थे, और उन्होंने उसी समय पर छींका, जब उन्होंने छींका, उनके नासिका से एक मच्छर के समान एक प्राणी की सृष्टि हुई, और वो ही देखते देखते एक विराट रूप उन्होंने धारण किया, वो थे श्री वराहदेव। बोलो श्री वराहदेव की। वराहदेव ने उसी समय पर रसातल में गए और पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी को पुनः धुरी पर स्थापित करके हिरण्याक्ष का वध किया। इसलिए भगवान का द्वितीय अवतार है श्री वराहदेव। तृतीय अवतार भगवान का बतलाया श्री नारद जी। नारद जी का नाम सुना है सभी ने, नारद जी। नारद जी देखो, उनका नाम ही है नारद, नारद अर्थात ना प्लस द, है ना, नार अर्थात जो आसक्ति, और द अर्थात जो खंडन, खंडय थी, जो हमारी आसक्ति का खंडन करे, उसका नाम है नारद। नर अर्थात समस्त प्राणी, और द मतलब जो आश्रय प्रदान करे, नर अर्थात ज्ञान, जो सभी को ज्ञान प्रदान करे। तो नारद जी ये भगवान के परम भक्त हैं, और भक्त अवतार के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं। विचार करके देखेंगे, यदि नारद जी की ना हमने टीवी से देख देख के बड़ी गलत इमेज बांध ली है ना, प्राय करके लोग नारद जी के विषय में यदि सुनते हैं तो क्या सोचते हैं, बोले नारद जी सब समय झगड़ा लगाते हैं, है ना, लेकिन नहीं, नारद जी की समस्त क्रियाएं भगवान की लीला को पुष्टि करने के लिए ही होती है। आप यदि विचार करके देखेंगे, रामलीला का मुख्य स्रोत नारद जी ही है। किस प्रकार नारद जी द्वारा अभिशापित होकर ही भगवान ने राम रूप में आए हैं, कृष्ण लीला में भी नारद जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भगवान की लीला को विस्तार करने के लिए ही नारद जी ये सुंदर सुंदर
कौतूहल करते हैं। इसीलिए नारद जी के अगर आप देखोगे विशेष करके दो चार शिष्य हुए हैं, दो बालक और दो वृद्ध। दो बालक शिष्य कौन कौन है बता सकते हैं? प्रहलाद और हाँ, भागवतम में जिनकी कथा वर्णन आती है, ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज। ध्रुव महाराज हम आगे जाकर श्रवण करेंगे, 5 वर्ष की उम्र में जिन्होंने इतना उत्कट भजन किया, साक्षात नारायण को वैकुंठ परित्याग करके और उनको दर्शन देने के लिए आना पड़ा। बोलो श्री ध्रुव महाराज की। 6 महीने के अंदर 5 वर्ष का बालक उत्कट तपस्या करके, एक पैर पर दंडायमान होकर, भोजन आहार विहार सब परित्याग करके और भगवान को प्रकट कर दिया। इतनी महिमा किसके चेले? किसके चेले? नारद जी के। नारद जी द्वारा शिक्षा प्रदान करके, शिक्षा ग्रहण करके और उन्होंने भगवत भजन किया। दूसरे उनके जो चेले हैं जिनका नाम है श्री प्रहलाद महाराज, ये इतने महान हुए भक्त शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि तुलसी केवल मात्र भगवत नाम का आश्रय ग्रहण करने के कारण भक्तों में शिरोमणि हो गए। इसीलिए मातृ गर्भ में थे कयाधु को जब इंद्र हरण कर लेकर जा रहा था, उसी समय पर नारद जी वहां पर उपस्थित हुए। कहने लगे, बोले इंद्र तुम इसे कहां लेकर जा रहे हो? इंद्र कहता है, बोले नारद जी मेरे हृदय में कोई गलत भावना नहीं है, केवल मात्र इसके गर्भ में जो संतान है उसको हत्या करने के उद्देश्य से मैं इस स्त्री को लेकर जा रहा हूँ। बोले ऐसा क्यों? बोले इसके पिताजी हिरण्यकशिपु को इतने उत्पाती हैं, ऐसे असुर हैं, केवल मात्र पिता के रहने से तो इतना संसार में उत्पीड़न है, यदि इनका पुत्र भी ऐसा ही जन्म लिया तो न जाने और क्या हो जाएगा, इसी उद्देश्य से मैं इनके संतान को मार दूंगा, इस स्त्री को उसके बाद में छोड़ दूंगा, मेरे हृदय में कोई गलत भावना नहीं। नारद जी कहने लगे कि इनके गर्भ में जो संतान है उसका तुम बाल भी बांका नहीं कर सकते, अरे वो भक्तों में शिरोमणि भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, इसीलिए इसे छोड़ दो। इंद्र उसी समय पर कयाधु को छोड़कर चला गया। प्रहलाद महाराज नारद जी गर्भ में रहते हुए भी नारद जी की संपूर्ण कथा का आरंभ करते रहे, उसी को ग्रहण करते रहे और जन्म के साथ साथ ही भगवत भक्त हुए। इतने श्रेष्ठ नारद जी के दो और शिष्यों का वर्णन आता है जो वृद्ध हैं। सबसे पहले हैं वाल्मीकि जी और द्वितीय हैं श्री वेदव्यास जी। वाल्मीकि जिन्होंने ये भगवान का हमारे लिए ग्रंथ श्री रामायण रचना करी और वेदव्यास जी जिन्होंने श्री भागवत ग्रंथ की रचना करी। वाल्मीकि जी के विषय में श्रवण करने को आता है, पहले उनका पूर्व चरित्र, वो एक व्याध थे। क्या थे? व्याध। और क्या करते थे? रास्ते में आने जाने वालों का माल सब लूट लेते थे। एक समय पर नारद जी जब उस रास्ते से जा रहे थे, नारद जी से भी कहने लगे, बोले बाबा निकालो तुम्हारे पास में क्या है। बोले हम तो साधु, हमारे पास में क्या मिलेगा, हमारे पास तो कुछ नहीं। नारद जी उसी समय पर उसे समझाने लगे कि देखो तुम ये जो चोरी इत्यादि कर रहे हो ये गलत काम है, और ये गलत काम करके पाप द्वारा अर्जन करा हुआ धन कभी शांति से नहीं रहने देता, तुम ये पाप कर रहे हो और इस पाप का बहुत ही बड़ा दंड भोगने को मिलेगा। वाल्मीकि से इस समय पर रत्ना कर वो डाकू कहने लगा कि पाप पुण्य किसने देखा, अरे मेरा परिवार है, उस परिवार का पालन करना भी तो जरूरी है, अपने परिवार के पालन के लिए मैं ये पाप कर्म करता हूँ। नारद जी प्रश्न करते हैं कि इस पाप के भागीदार तुम्हारा परिवार होगा? बोले हाँ, अरे उनके लिए ही तो मैं सारे काम कर रहा हूँ, वो निश्चित रूप में मेरे पाप में भागीदार होंगे, जाकर पूछ कर एक बार आ जाओ। बोले बाबा तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, मुझे अपने घर भेज दे रहे हो और यहाँ से तुम रवाना हो जाओगे। बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हारी यहाँ अपेक्षा कर रहा हूँ, जाकर अपने परिवार से पूछ कर आओ कौन कौन तुम्हारे पाप में भागीदार बनेगा। सबसे पहले आए हैं माता पिता के पास में, प्रश्न करने लगे कि मैं असत पथ द्वारा धन उपार्जन करता हूँ, चोरी डकैती करता हूँ, इस पाप द्वारा अर्जित धन में आप लोग तो भोजन ग्रहण करते हैं, मेरे पाप में भी भागीदार बनेंगे? माता पिता कहने लगे हम भागीदार नहीं बनेंगे, हमने तुम्हें लिखा पढ़ा कर बड़ा कर दिया, अब तुम किस प्रकार धन अर्जन करते हो ये तुम जानो,
हम तुम्हारे पाप में लेकिन भागीदार नहीं बनेंगे। पत्नी से प्रश्न करने लगे, तुम तो भागीदार बनोगी। पत्नी कहने लगी, देखो जी, घर का काम मेरा, बाहर का काम तुम्हारा। आप किस तरह से धनोपार्जन कर रहे हैं वो मैं नहीं जानती। मैं तो घर का चूल्हा चौका संभालती हूँ, मैं आपके पाप में कतिक भी भागीदार नहीं बनूंगी, तलिक भी भागीदार नहीं बनूंगी। अत्यंत दुखी हुए। रत्ना करने आकर अपने बच्चों से प्रश्न किया, बोले बेटा तुम तो मेरे पाप में भागीदार बनोगे, अरे तुम्हारे लिए तो इतना पाप कर्म करके धन उपार्जन करता हूँ। बच्चों ने भी मना कर दिया, बोले पिताजी हम तो अभी बच्चे हैं, हमारा लालन पालन करना आपका कर्तव्य है, बड़े होकर हम जैसे भी जो भी कार्य करें उसका हम विचार करेंगे, लेकिन अभी तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके पाप में हम बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेंगे, कोई भी भागीदार नहीं बनेंगे। रत्नाकर अत्यंत दुखी होकर पुनः जब आए हैं नारद जी के पास में, नारद जी प्रश्न करते हैं, क्यों कितने हिस्सेदारों को लेकर आए हो साथ में? बोले बाबा आप ठीक कह रहे थे, अरे इस संसार में किसी के लिए कितना भी कुछ क्यों ना कर दो, पाप करो पुण्य करो, लेकिन भागीदार कोई नहीं बनता। अपना लेखा जोखा सब अपने साथ में ही जाता है। अरे मैंने इतना पाप कर्म केवल मात्र परिवार के पालन के लिए करता था, उनके लिए जी जान दिनों रात लगा हुआ था, लेकिन कोई तो मेरा पाप ले नहीं रहा। नारद जी ने उसी समय पर कहने लगे कि तुम राम नाम का आश्रय लो, इतने पापों से यदि मुक्ति पाना चाहते हो बोलो राम, बोलो राम। आप भी बोलिए, बोलिए और जोर से। आप लोग तो सच में यहाँ जो विराजमान है पुण्य आत्मा है, इसीलिए मुंह से भगवान नाम निकल रहा है, राम नाम निकल रहा है। लेकिन रत्नाकर इतना पापी था, उसके मुंह से राम नाम नहीं निकला, राम नाम का उच्चारण नहीं कर पाया। नारद जी कहने लगे कि तुम सबको मारते थे, सबकी हत्या करते थे। अरे मारो मारो कह सकते हो? बोले हाँ मैं मारो मारो कह सकता हूँ, मरा मरा कह सकता हूँ। हाँ तो मरा 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 उल्टा नाम, गोस्वामी वर्णन करते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करते करते रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि बन गया। भगवान राम के आने से पहले ही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ वाल्मीकि रामायण रचना कर दी। इतनी महिमा भगवान नाम की, इसकी शिक्षा द्वारा शिक्षित श्री नारद जी। नारद जी वेद व्यास जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना करी है उनके विषय में भी श्रवण कर लो। नारद जी ही साक्षात उपस्थित होकर और उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। वेद व्यास जी ने जिस समय सारे ग्रंथों की रचना करी है, 18 पुराण 17 पुराण और उपनिषद ब्रह्मसूत्र इत्यादि सभी ग्रंथ महाभारत इत्यादि की रचना कर दी, लेकिन तब पर भी हृदय में शांति नहीं। मन ही मन विचार कर रहे हैं, मैंने जिन ग्रंथों की रचना करी है, समस्त वेद पुराण इतिहास की रचना करने पर भी यदि मुझे शांति नहीं, इन ग्रंथों को श्रवण करने वाले को पढ़ने वाले को कैसे शांति मिल सकती है? अत्यंत दुखी होकर जब सरस्वती के तट पर विराजमान थे, उसी समय पर नारद जी आए। नारद जी देखकर ही शिष्य की अवस्था को समझ गए। नारद जी कहने लगे कि तुम इतने दुखी क्यों हो? बोले गुरुदेव मेरे दुख का कारण तो आप वर्णन कीजिए। समस्त शास्त्रों को मैंने रचना करी, लेकिन तब पर भी मेरे हृदय में शांति नहीं है, मैं बहुत ही दुखी हूँ। नारद जी वर्णन करते हैं, यथा धर्म दयाश्चार्था मुनि वर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा हेनु वर्णिता। बोले देखो व्यास, तुमने जिस प्रकार इस संसार की समस्त बातों को धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में जितने विस्तृत रूप में वर्णन किया है, उस प्रकार तुमने भगवान वासुदेव की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। कृष्ण ने कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं करी है केवल मात्र अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, उसके विषय में वर्णन ना करके किस प्रकार धन उपार्जन करो, किस प्रकार इच्छाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ इत्यादि करो, व्रत इत्यादि करो, किस प्रकार अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ मोक्ष प्राप्ति के लिए भी क्या क्या साधन है उनके विषय में तुमने पशु बलि भोग इत्यादि के विषय में बहुत कुछ वर्णन किया, लेकिन भगवान के अमल जश का गान नहीं किया।
अरे साधु ऐसे ग्रंथ की और तनिक भी जानते नहीं जिसके अंदर साधारण राजा रानी की कथा हो। वो तो उसे कौए का तीर्थ मानते हैं, लेकिन साधु तो परमहंस हैं। परमहंस तो मानसरोवर में स्थित कमल फूल के नाड़ में जो मोती होता है उस मकरंद का पान करते हैं। अगर भगवान की कथा हो, कृष्ण का निर्मल यश यदि गान किया गया हो, वो ही केवल मात्र साधुओं के लिए ग्राह्य है। तुम भगवान कृष्ण के अमल जश का गान करो, उनकी सुंदर सुंदर लीलाओं का विस्तार करो। कैसे कृष्ण ने छोटे बच्चे होने पर भी बड़े बड़े असुरों को मार दिया। उन्होंने ब्रज के अंदर जो मधुर मधुर लीलाएं करी है सखाओं के साथ में, ब्रज गोपियों के साथ में, मैया यशोदा नंद बाबा इत्यादि मातृस्थनिया गोपियों के साथ में, उनकी जो सुंदर सुंदर लीलाएं हैं उनका जब तक गान नहीं करोगे तब तक तुम्हारे हृदय में शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए भागवत ग्रंथ की रचना करो। नारद जी के उपदेश प्राप्त करके वेदव्यास जी ने उसी समय पर भक्ति योगे न मनसि सम्यक् प्रणीते अमले, भक्ति योग द्वारा ध्यानस्थ होकर समस्त लीलाओं का दर्शन किया और उसी को भागवत ग्रंथ में वर्णन किया। बोलो श्री भागवत कथा अमृतम की। इसीलिए भगवान का तृतीय अवतार बताया नारद जी। भगवान का चतुर्थ अवतार है श्री नर नारायण। बड़े ध्यान से सुनिए, नर नारायण भगवान का चौथा अवतार। एक समय पर नारद जी वैकुंठ धाम में गए। भगवान से प्रश्न करते हैं, बोले भगवान आप यहाँ पर इस तरह से शरशैया पर विराजमान हैं और आपके जीव इस संसार में अत्यंत दुख कष्ट पा रहे हैं। भगवान कहने लगे कि तो उनके उद्धार के लिए मैंने शास्त्रों की रचना करी है, शास्त्र पढ़ के भगवान का भजन करके और वो मेरे धाम को आ सकते हैं। बोले इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। बोले मैंने साधुओं को भेजा है, साधुओं के मुख द्वारा उपदेश श्रवण करके भगवत भजन का मार्ग अवलंबन करके मेरे धाम को आ सकते हैं। बोले तब पर भी नहीं। बोले कहना क्या चाहते हो, स्पष्ट रूप में वर्णन करो। बोले आप यदि अपनी लक्ष्मी को लेकर यहाँ शरशैया पर विराजमान हैं, सभी जीव ऐसा ही विचार करेंगे, भगवान जब अपनी लक्ष्मी को लेकर पड़े हुए हैं हम भी अपनी लक्ष्मी को लेकर पड़े रहेंगे। भगवान प्रश्न करने लगे, स्पष्ट बताओ क्या कहना चाहते हो। बोले आप स्वयं यदि भगवत भजन करके ना दिखाएं, एक जीव दुख कष्ट क्यों भोग करता है। बोले भजन ना करके इस संसार में दुख पा रहा है, अगर भगवान का भजन करने लग जाए तब तो मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद। अरे आप जब तक आचरण करके नहीं दिखाएंगे, यदि यद आचरति श्रेष्ठा तब तक देवेंद्रो जना, श्रेष्ठ व्यक्ति यदि कुछ आचरण करके दिखलाए तभी तो नीचे वाले उसका अवलंबन करते हैं, फॉलो करते हैं। आप स्वयं यदि भजन करके तपस्या करके नहीं दिखाएंगे जीव कैसे करेगा। भगवान ने उसी समय पर नर नारायण अवतार लिया, साक्षात बद्रिकाश्रम में उपस्थित हुए। वहां पर आगे शंकर जी रहते थे। आप लोग गए हैं बद्रीनाथ? बद्रीनाथ टीवी में देखा होगा, इतना रमणीक स्थान है वहां पर, नर नारायण पर्वत, सरस्वती नदी प्रवाहित हो रही है, बड़ा सुंदर मनोरम परिवेश। वहां पर यदि जाकर देखेंगे वापस आने का मन नहीं करेगा, बड़ा ही सुंदर स्थान है। साक्षात भगवान वहां पर उपस्थित हुए, लेकिन शंकर जी वहां पर आगे से तपस्या करते थे, पहले से तपस्या करते थे। एक समय शिव पार्वती दोनों सवेरे सवेरे स्नान करने के लिए जब अपने घर से बाहर निकले, रास्ते में भगवान एक बालक का स्वरूप लेकर विराजमान हो गए। छोटा शिशु वहां पर क्रंदन कर रहा है। शिव जी जब आगे आगे जा रहे थे, देखा एक छोटा बच्चा, शिव जी ने उसे ध्यान नहीं देकर और आगे चले गए। शिव जी समझ गए दाल में कुछ। हाँ, छोटा बच्चा इस हिमालय बर्फ के ऊपर कहाँ से आएगा। शंकर जी इसलिए प्रभु आगे चले गए। लेकिन माताओं का हृदय तो अत्यंत करुण होता है, वात्सल्य से भरा हुआ रहता है। माता पार्वती ने तो झट से बच्चे को गोद में उठा लिया, कहने लगे स्वामी आपने इस बच्चे की अवस्था नहीं देखी, अरे छोटा बच्चा बर्फ के ऊपर क्रंदन कर रहा है, आप आगे चलते जा रहे हैं। बोले देखो पार्वती, ये छोटा संतान ऐसे विशाल पर्वतों के बीच में बर्फ के यहाँ पर आया तो आया कहाँ से, ये जरूर कोई माया है, जरूर दाल में कुछ काला है, तुम इसे छोड़ दो। लेकिन मैया पार्वती नहीं मानी, कहने लगी मैं इसे घर में सुला कर आती हूँ, आप चलिए। मैया पार्वती उसी समय पर ठाकुर जी को लेकर और अपने घर में सुला दिया। ठाकुर जी तो घर में सोएंगे क्या, अंदर से दरवाजा ही बंद कर दिया।
शिव पार्वती स्नान करके जब पुनः आए हैं, अभी नॉक करने लगे हैं, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा। शंकर जी कहने लगे, देख लिया ना, अरे मैं पहले ही कह रहा था ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुमने जिसे घर के अंदर बंद किया, शयन दिया, विश्राम करने के लिए आश्रय दिया, अरे तुम्हारा घर ही हड़प लिया, दखल करके बैठे हैं, अब विचरण करो इधर उधर। शंकर जी उसी समय पर आंख बंद करके और ध्यानस्थ जब हुए, पता लग गया कि साक्षात भगवान यहाँ पर। शंकर जी भगवान की इच्छा जानकर वो स्थान को छोड़ दिया और बद्रीनाथ वो चले गए केदारनाथ में। केदारनाथ में जाकर अपना निवास स्थान किया और यहाँ बद्रीनाथ में साक्षात श्री नर नारायण रूप में भगवान विराजमान है। इस ठाकुर जी स्वयं वर देते हैं कि यदि कोई कष्ट करके और मेरे धाम को आए, बद्री का आश्रम, यदि कोई कष्ट करके पहुंच जाए, मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ, मेरे दर्शन करने मात्र से ही मेरी तपस्या का छठवां भाग अनायास प्राप्त हो जाएगा। बोलो श्री बद्रिकाश्रम की, बोलो श्री नर नारायण की। इसी प्रकार भगवान के अनंत अवतारों का, 24 अवतारों का श्री जगदूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। भगवान के सारे अवतार एक एक करके नाम ले रहे हैं और उन्हीं नाम लेते लेते उन्होंने क्या किया, कृष्ण नाम भी वहां पर उच्चारण कर दिया। समस्त अवतारों की सूची में कृष्ण नाम भी उच्चारण कर दिया, लेकिन जैसे ही कृष्ण नाम लिया वो तो भयभीत हो गए, डर गए। क्यों? बोले कृष्ण ये अवतार नहीं, कृष्ण अवतारी है। क्या अर्थ हुआ, ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिए। कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी है, अर्थात जिनसे सारे अवतार आते हैं उसे कहा जाएगा अवतारी। उदाहरण देकर बता रहे हैं, हमारे घर में बहुत बड़ा कुछ उत्सव था, हमने किसी बड़े सीएम या प्रधानमंत्री मोदी को भी निमंत्रण किया। अभी मोदी जी कब आए और कब जहां सारी पंगत बैठी हुई थी उसी के साथ में बैठकर और भोजन ग्रहण करने लग गए, हमें चलो पता नहीं चला, लेकिन जब हमें इस बात की अनुभूति होगी हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी जाकर और मोदी जी को वहां से उठाकर उनके लिए अलग व्यवस्था करेंगे, अलग स्थान प्रदान करेंगे। ठीक उसी प्रकार सुत गोस्वामी ने जब 24 अवतारों का वर्णन किया, अरे कृष्ण तो अवतारी है, अवतार नहीं, जब भूल से कृष्ण नाम ले लिया तो उनको अपनी भूल का अनुमान हुआ और उन्होंने उसी समय पर कृष्ण के लिए एक अलग श्लोक की रचना करी। कहते हैं, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोका युगे युगे। श्री सुत गोस्वामी कहते हैं कि अब तक मैंने जिन जिन का भी नाम लिया है, एते चांश कला पुंस, अर्थात कोई उनका अंश है, कोई उनकी कला है, अंश का अंश कला, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण साक्षात भगवान है। ये सारे अवतार जो अब तक मैंने बतलाए हैं ये सारे कृष्ण से ही आते हैं। हमारे जयदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, केशव धृता राम शरीरा, केशव धृता कूर्म शरीरा, केशव धृता भृगुपति रूपा। केशव अर्थात कृष्ण, अरे वो कृष्ण ने ही ये सारे अवतारों के रूप में रूप धारण किया है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण मूल है। इसीलिए आप गीता यदि महाभारत देखेंगे, महाभारत में जिस समय भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, उस विराट रूप में देखना, अर्जुन चरणों में गिरा हुआ है, भगवान विराट रूप दिखा रहे हैं और विराट रूप दिखाते हुए भगवान कहते हैं, देख अर्जुन जिसे तुम शंकर बोलकर पूजा करते हो वो शंकर मेरे में, जिसे तुम इंद्र बोलकर पूजा करते हो वो इंद्र मेरे अंदर, जिसे तुम देवी दुर्गा बोलकर पूजा अर्चना करते हो वो दुर्गा मेरे अंदर, जितने 33 करोड़ देवी देवता हैं वो सारे मेरे में ही विराजमान हैं, मेरे में ही विराजमान हैं। भगवान कहते हैं, मत्त परधरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, अरे मेरे अलावा मैं हूँ इसीलिए सब कोई विराजमान है। एक माला का उदाहरण देते हैं, ये पुष्प माला देखिए, इस पुष्प माला के अंदर धागा है या नहीं, धागा है या नहीं, है ना, लेकिन क्या दिखाई पड़ता है, दिखाई दे रहा है। अगर ये धागे को तोड़ दिया जाए तो क्या पुष्प की माला रहेगी? भगवान कहते हैं, मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रेव मणिगणाइव, जिस प्रकार एक माला में कई सारे पुष्प सुंदर रूप में सुसज्जित होते हैं, एक माला रूप धारण करते हैं, बीच में लेकिन धागा है, बीच में
धागा है, ठीक उसी प्रकार ये समस्त त्रिभुवन बड़े सुंदर रूप में सुसज्जित है क्योंकि मैं हूँ। मई सर्वमिदं प्रोक्तम, मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ, मैं सबका मूल हूँ, इसीलिए मत भयात बाकी बातों है। मेरे भय से सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। मेरे भय से अग्नि दाहिका शक्ति को धारण करती है। मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है। समस्त देवी देवता मेरे आदेश का पालन करते हैं। मैं मूल हूँ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस बात को देखो, बड़े अच्छे से गांठ बांध कर समझ लो। हम लेकिन क्या करते हैं ना, सोमवार आया, गए शिव जी के मंदिर में, बम बम बोले, दूध बेलपत्र पानी चढ़ाएंगे। मंगलवार आया तो बालाजी के यहाँ पहुंच गए, हनुमान जी के यहाँ पहुंच गए, लेकर सवा मन का लड्डू। तुम्हारे लड्डू के लिए भूखे बैठे थे हनुमान जी, तुम ले आए तो उनका पेट भर जाएगा, है ना। बुधवार आया, गणेश जी की पूजा के लिए चले गए, हे गजानन गणेश तुम्हारे लिए मोतीचूर के लड्डू लाए हैं। गुरुवार आया, बृहस्पति की पूजा करने लग गए। शुक्रवार आया, कभी सरस्वती की। शनिवार आया, शनिदेव की पूजा। 33 करोड़ देवी देवता की पूजा में हम लोग लग जाते हैं। विचार करके देखो, अरे महीने के 30 दिन, एक दिन यदि 1 करोड़ देवी देवता भी की पूजा कर ली, 30 दिन में 30 करोड़ हुए, फिर वापस 3 करोड़ रह गए। कितनों को मनाओगे, कितनों को मनाओगे? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। भगवान कृष्ण को यदि प्रसन्न कर लिया, सब प्रसन्न हो जाएंगे, सब कृपा करने लग जाएंगे। लेकिन अगर कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए तो कितने ही देवी देवता मनाते रहो, आज श्री साई, कल और कोई बाबा, कल और कोई, कल और कोई, ना भैया। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सुत गोस्वामी ये एक बड़ी अच्छी बात समझा रहे हैं यहाँ पर। कृष्ण की यदि पूजा कर ली, भागवत में इसलिए 2 उदाहरण देकर बताया है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वारणम् अच्युते च। आप लोग घर में सबके तुलसी है, घर में गार्डन है, पेड़ पौधे है ना। आप बताओ, पेड़ों में पानी देते वक्त आप पत्तों में पानी डालते हो, फूलों में पानी डालते हो, ना जड़ में पानी डालते हो? हाँ, जोर से बोलो, जड़ में पानी देते हो ना। उसी प्रकार कृष्ण है जड़। एक उदाहरण से बता रहे हैं, यदि 33 करोड़ देवी देवता कोई फूल है, कोई फल है, कोई पत्ता है, कोई टहनी है, लेकिन कृष्ण है मूल, कृष्ण है जड़। अगर जड़ में पानी दे दिया, जड़ को अच्छे से सिंचन कर दिया, तो क्या होगा, सारा वृक्ष पुष्पित पल्लवित रहेगा, हरा भरा रहेगा, है ना। लेकिन यदि कोई विचार करे कि भैया मैं तो जड़ में भी पानी दूंगा और फूल पत्तों इनको भी सब पानी देता रहूंगा, तो उन लोगों के लिए ज्यादा बुद्धिमान है ना वो, उन लोगों के लिए और एक उदाहरण दिया। बोले क्या? बोले प्राणोपहारा से यतेन्द्रियाणां। अरे खाना खाते हो, खाना कहाँ खाते हो, मुंह में खाते हो ना। हाँ, मुंह के अंदर खाना खाते हो, उससे सारा शरीर एनर्जी मिल जाती है। यदि कोई विचार करे कि भैया मुंह से क्यों खाए, इन आंखों से देखता हूँ, इन आंखों में थोड़ी सी चटनी डाल देता हूँ, इन कानों से सुनता हूँ ना, इन कान में थोड़ी सी दाल डाल दू, है ना, हाथों से इतना काम कर रहा हूँ, हाथ फाड़ के थोड़ा सा चावल इसमें ठूस दू, करते हो ऐसा, करते हो ऐसा? ऐसा कभी होता नहीं। प्राणोपहारात् यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्णम् अच्युते च। जिस प्रकार मुंह में आहार देने से पूरी शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, पूरा शरीर चलायमान होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान अच्युत अर्थात कृष्ण की यदि पूजा कर ले तो क्या होगा, समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाए। जा पर कृपा हरि की होई, जोर से बोलो, जा पर कृपा करे सब कोई। भगवान कृष्ण को यदि प्रसन्न कर लिया तो सब प्रसन्न हो जाएंगे, सब दया करने लगेंगे। लेकिन अगर वो रूठ गए, उनकी यदि पूजा भक्ति नहीं करी, तब तो भैया कुछ हाथ नहीं आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि देखो, और एक विचार कर लो, एक चीज और, ऐसा भी नहीं है कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा कुछ आडंबर करना पड़ेगा। भागवत यदि अध्ययन करके देखोगे, देवी देवताओं की पूजा में यज्ञ इत्यादि जो भी कुछ करोगे, थोड़ी बहुत त्रुटि हुई, कुछ भूल चूक हुई, उल्टा फल मिलेगा, विपरीत फल भोगना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण हमारे माता पिता हैं,
हम कहते हैं ना त्वमेव माता च त्वमेव बंधुश्च, कृष्ण हमारे माता पिता है, हमारे परम सुहृद है। अगर उनकी पूजा अर्चना करने में कोई भूल त्रुटि भी हो तब भी वो भूल भूल ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान केवल मात्र भाव को ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करना कोई बड़ी बात, कोई बहुत भारी बात भी नहीं। कृष्ण तुमसे बहुत कुछ बड़ी चीज भी नहीं चाहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति तदहं भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मना। कृष्ण कहते हैं मुझे तुमसे कोई बहुत ही भारी चीज की आवश्यकता नहीं, कुछ कोई विराट आडंबर करने के लिए मेरे लिए जरूरत नहीं है। मैं जो चीज चाहता हूँ वो चीज बड़े सहज में उपलब्ध होती है। सबसे पहली बात बताई पत्रम, पत्ता। ठाकुर जी को अगर बहुत कुछ नहीं दे सकते, एक तुलसी पत्ता तो दे सकते हो, दे सकते हो कि नहीं? तुलसी पत्ता पत्रम दे दो, पुष्पम अर्थात एक फूल दे दो, फलम कोई फल प्रदान कर दो, तोयम गंगा पानी प्रदान कर दो। अरे इतना, ये चारों चीजें देखना सहज में उपलब्ध हो जाती है, कुछ पैसा नहीं लगता इनका, है ना? अगर ये चारों चीजें मुझे कोई प्रदान कर दे, लेकिन कैसे? तदहम भक्ति उपरितम, ऐसे ऐसे नहीं, हृदय में भक्ति होनी चाहिए, हृदय में भक्ति होनी चाहिए। हम कल भी श्रवण कर रहे थे, दुर्योधन के 56 रोग छोड़कर चले गए ठाकुर जी, क्यों? हृदय में भक्ति नहीं थी। लेकिन शबरी के झूठे बेरों को ग्रहण किया, इसलिए भक्ति थी हृदय में, है ना? तो कदहम भक्ति उपरितम अश्नामी प्रयतात्मना। ठाकुर जी ये चारों चीजें ग्रहण करते हैं किसी भक्त के द्वारा। और दूसरी ओर यदि अभक्त हो, भक्त तेरा द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्त तेरा द्रव्य प्रभु उनकी लेना द्रव्य को प्रभु छीन छीन के खा लेते हैं। ब्रज के अंदर सखा यदि अपने घर से कुछ सुंदर पकौड़ा मिष्टी कुछ लेकर आते हैं, खुद जब खाते हैं और कहते हैं देख कन्हैया मेरी माँ ने तो बहुत सुंदर मिठाई भेजी है, कृष्ण उस झूठी मिठाई को छीन के सखाओं से खा लेते हैं। भक्तेर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, लेकिन अभक्तेर द्रव्य उलटी लेना चाहे। अरे दुर्योधन के 56 भोग धरे के धरे रह गए, अभक्त के द्रव्य की ओर प्रभु देखते भी नहीं है। इसीलिए विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खाने में प्रभु को इतना आनंद हो रहा था, लेकिन दुर्योधन के 56 भोग को परित्याग कर दिया। ये है भगवान की महिमा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं, केवल मात्र भक्ति हृदय में यदि विराजमान हो, भाव यदि हृदय में विराजमान हो, तो सहज में प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की पांचा कल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रवृत्तावन बिहारी लाल की आज के आनंद की माई, जय जय माई वाले श्री राम, माई वाले ओ माई वाले। कर गयो रे मुख जादू टोना कर गयो रे घनश्याम मुरलिया वालो, I'm gonna be your man।
घूमट क्यों ना हो जाए, सखी घूमट क्यों ना हो जाए, सखी घूमट क्यों ना हो जाए, सखी घूमट क्यों ना हो जाए, कन्हैया रंग के डाले सखी घूमट क्यों ना हो जाए, जय जय श्री राधे कन्हैया रंग के डाले सखी घूमट क्यों ना हो जाए, कन्हैया रंग के डाले सखी घूमट क्यों ना हो जाए, हाथ रख ले कन्हैया रंग के डाले सखी घूमट क्यों ना हो जाए, घूमट क्यों ना हो जाए, सखी मोड़े देना हो जाए, सखी घूमट क्यों ना Yeah.
भगवान की जगत को सृष्टि करना चाह रहे थे, सर्वप्रथम भगवान की नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा जी जन्म हुए। कौन जन्म हुए? पितामह ब्रह्मा जी जन्म हुए। देखा चारों तरफ में पानी पानी, पहले इनका एक ही सर था, लेकिन जब चारों तरफ में देखने की इच्छा की उनका चार सर हो गया। अभी उन्होंने देखा मेरी सृष्टि कहाँ से हुई, तब उन्होंने कमल नाड़ों में हजार साल तक उन्होंने अनुसंधान की, लेकिन कहीं था ही नहीं मिला। फिर ऊपर उठे, तब उन्होंने व्यंजन वर्ण का दो अक्षर सुना, बोले सोलमा और एकोसमा, बोले त और प। भगवान बोले तुम तपस्या करो। जब ब्रह्मा जी तपस्या की, बोले ज्ञानम में परम गुह्यम जत विज्ञान समर्पितम। भगवान ने ब्रह्मा को सर्वप्रथम अपना बंसी ध्वनि से गोपाल मंत्र प्रदान किया है। यदि जी गोपाल मंत्र हम लोग जो जप करते हैं, ये मंत्र कहाँ से आया है? यदि ये मंत्र सर्वप्रथम भगवान ने ये ब्रह्मा जी को कानों में ये गोपाल मंत्र दिया, ब्रह्मा जी फिर उसी मंत्र को फिर नारद जी को देते हैं, नारद जी फिर व्यास देव को, व्यास देव फिर मध्वाचार्य को। ऐसे करते करते हम लोग को अभी जो मंत्र जप कर रहे हैं वो भगवान से ये मंत्र आया है। इसलिए नियम शास्त्र में बताया गुरु ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन कहते ना गुरु कर जान के और पानी पियो छान के। अभी गुरु कहाँ से करनी चाहिए? नियम है जो गुरु परंपरा भगवान से जो जुड़े हुए हैं, जो भगवान से जो जुड़े हुए हैं वहाँ से मंत्र लेनी चाहिए, जहाँ का मंत्र नहीं लेनी चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है बोले संप्रदाय विनाजी मंत्रास्ति विफलमता। कहता अगर मंत्र ग्रहण करना तो किसी वैष्णव संप्रदाय से ही मंत्र ग्रहण करो, क्योंकि जब वैष्णव संप्रदाय से मंत्र ग्रहण करेंगे ये मंत्र भगवान से आया हुआ है। ऐसे नहीं कोई बीच में आया भूई फोड़ जैसे कि नया नाम निकल गया, उसको पूछो करे गुरुजी गुरुजी कोई पता ही नहीं। लेकिन अगर हमें कोई पूछेगा तुम्हारे गुरुदेव कौन है, बोले हमारे गुरुदेव ये है, बोले उनका गुरुदेव के, बोले उनका गुरुदेव प्रभुपाद है, बोले उनका गुरुदेव बोले श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनका गुरुदेव भक्ति विनोद ठाकुर, बोले उनका गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु के पास में, अरे ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी। फिर ये सीधा जाते जाते ना सीधा भगवान कृष्ण के पास में जाएगा है, ये परंपरा सीधा भगवान कृष्ण के पास में जाएगा, क्योंकि वहीं से ही भक्ति आई है। देखो अगर किसी तालाब को कोई गंगा बोलोगे थोड़ी कोई मानेगा, अगर वो गोमुख से अगर लगा हुआ हो तो उसको गंगा मान सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है मंत्र लेनी चाहिए कोई शुद्ध वैष्णव परंपरा से, जिनकी भगवान के साथ में जो जुड़ा हुआ हो। और नाम भी ऐसे नहीं जब मन में कोई चीज आ गया कोई नाम, अपना मनमानी कोई नाम बना दिया। अब देखना जगत में पता नहीं कितने कितने नए नए नाम आ गए, नहीं हमें जो नाम लेनी चाहिए वो शास्त्रीय नाम होनी चाहिए, जो नाम भगवान की मुखार बिंद से निकले। हम लोगों को जो हरे कृष्ण हाथ उठा कर बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ये नाम कहाँ से निकली? बोले ये नाम को स्वयं राधा रानी कृष्ण विरह में
राधा जी के नाम से मुंह से ये नाम निकले, इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती बोले इति षोडशक नाम्नम कली कल्पसनाशनम नाथ परत उपाय सर्व विदेश उद्देश्यते। शंकर कह रहे पार्वती को, बोले हे पार्वती कली युग में की जो 16 नाम और जो 32 अक्षर है यही नाम ही जीव का पाप को खत्म करेगा। बोले नाथ परत उपाय, इसको छोड़ करके कली युग में अगर कोई नाम ग्रहण करेगा तो शंकर जी कहते हैं भैया वो नाम प्रेम देने वाले नहीं है, ये शंकर स्वयं कहते हैं। इसलिए युग चार है, सत्य त्रेतया द्वापर और कली। आप पुराण को पढ़कर देखो, भविष्य पुराण को देखो, कली संतरण ऊपर निषद नारदीय पुराण को पढ़ो, कहते चार युग में चार मंत्र है। सत्य युग का जो लोग थे कौन सा नाम को जप करके मुक्ति मिलती थी, बोले नारायण परा वेदा नारायण परा मुक्षा नारायण परम गति नारायण परा मुक्ति। सत्य युग के लोग इसी नाम को जप करके संसार से पार होते थे। तृतीय युग आया, बोले तृतीय युग के लोग कौन सा नाम जप करते थे, बोले राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन हरे तंसारी केशव हरे वैकुंठ वामन, बोले ये नाम को जप करके उद्धार होते थे। द्वापर युग आया, बोले द्वापर युग में लोग कौन सा नाम लेते थे, बोले हरे मुरारी मधु कैट भारी गोविंद गोपाल मुकुंद सौरी जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय माम जगदीश रक्षे। तृतीय द्वापर युग का लोग ये नाम को लेकर के उद्धार होते थे। कल युग आए, अब तो कल युग में कौन सा नाम लेनी चाहिए, हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कल युग में इसी नाम से जीव के कल्याण होगा, ठीक है ना, इसलिए कल युग में ये नाम को जप करनी चाहिए। इसलिए ये गुरु परंपरा से भगवान से लेकर के अभी तक गुरु जी करते करते ये यहाँ तक पहुँचा है। इसलिए अगर ये लाइन में अगर कोई जैसे किसी कहीं पर कोई चीज मिल रहा है, अगर आप लाइन में खड़े हो गए तब तो मिलेगा, अगर लाइन को छोड़कर अगर बिना लाइन में खड़े रहोगे भले ही साल तो खड़े रहो नंबर नहीं आएगा। क्यों, आप तो लाइन छोड़ करके गलत लाइन में तुम खड़े हुए हो, सही लाइन में खड़े हो गए तब तो एक ना एक दिन नंबर आ ही जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम मंत्र परंपरा से ये मंत्र जगत में जगत में आया है। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी को आदेश दिया सृष्टि की प्रारंभ करो, तो ब्रह्मा जी सर्वप्रथम उन्होंने चतुसन को सृष्टि की, बोले संसार का क्रम पढ़ाओ, इन्होंने मना की तो बोले श्री भोले बाबा की जब रुद्रदेव प्रकट हुए शंकर जी को, बोले भैया तुम भी संसार करो, बोले प्रभु हमारे मन में कोई घर गृहस्थी की इच्छा नहीं। अब शंकर जी को देखना जोगी जोगी महाजोगी, जब शंकर जी कहीं बैठे हुए आप देख लेना एकदम आंख बंद करके ध्यान में, जब शंकर जी के ध्यान लगती है जुग जुग तक ध्यान लग जाती है, उनको ध्यान टूटती नहीं, एकदम जुग जुग तक शंकर जी के ध्यान लग जाती है। इसलिए शंकर जी बोले भैया अगर पिताजी को मना कर दो घर गृहस्थी नहीं करूँगा फिर पिताजी को क्रोध आएगा, तब बोले ऐसे काम करो पिता अपने आप मना कर दे, जितने भूत पिशाच सृष्टि करना शुरू कर दिए। ब्रह्मा बोले कोई सृष्टि है, हैं ये भूत पिशाच से कोई सृष्टि बढ़ गई, चुप कर बंद कर, बोले मैं तो यही चाह रहा था। इतने में उन्होंने अपना परछाई से श्री कर्दम ऋषि को सृष्टि की, फिर ब्रह्मा जी 10 पुत्र को सृष्टि की, फिर ब्रह्मा जी अपना शरीर से वाम अंग से सतरूपा और डाण अंग से श्री मनु महाराज को सृष्टि किया उन्होंने, हैं मनु महाराज को उन्होंने सृष्टि किया। फिर वहाँ पर ये धीरे 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 ये जो संसार बढ़ते 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 कितना हो गया। श्री मनु महाराज जब सृष्टि किए, पहले जो सृष्टि होता था मानस की सृष्टि, मन से सृष्टि करते थे,
लेकिन जो पति पत्नी का मिलन से जो सृष्टि हुई है ये मनु महाराज से हुई है, इसलिए हमें मानव कहते हैं। क्या कहते हैं हमको? मानव। क्यों? मनु महाराज से हुए हैं। लेकिन अभी का साइंस को पूछो ना, जो डार्विन एक नाम सुने होंगे, हैं कि एक साइंटिस्ट हुआ है, वो कहता है जो सृष्टि है हमारे पूर्वज सब के सब बंदर थे, ये बंदर का पूछ करते 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 खत्म हो गया ना, हम इंसान हो गए, हैं इंसान हो गए। लेकिन हमारी गुरुवर्ग हमारे शास्त्र ये नहीं कहता है हमारी पूर्वज बंदर थे, उसी समय बंदर का पूछ करते करते क्यों खत्म हो गया? अभी तो कितने जंगल में बंदर घूम रहे, घूम रहे कि नहीं? अभी कोई बंदर इंसान हो गया नहीं, तो उस समय क्यों हो गया? ये डार्विन सबको धोखा दे कर गया, इसलिए वो मरने से पहले बोल कर गया है ये सरकार मेरे को जोर जबरदस्ती किया था, बोले तुमने इसको प्रमाण करके दिखा दो, क्योंकि अगर दिखा दोगे ना लोग नास्तिक बनेंगे, फिर भगवान की भक्ति भक्ति वही करेगा नहीं। लेकिन हमारे जितने पुराण शास्त्र, जैसे हमारी हिंदुओं का ग्रंथ है गीता, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भगवत गीता। कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? कहते पिता अहमस्य जगत धाता माता पितामह। बोले हे अर्जुन, समस्त जगत का पिता माता भाई बंधु मैं हूँ, इसलिए हम कहते हैं त्वमेव माता च। कौन है? भगवान ही हमारे पिता माता है, बंदर नहीं। आप कुरान पढ़ लो, हैं कुरान पढ़ लो, ये मुसलमान का ग्रंथ कुरान, वहां लिखा हुआ अल्लाह ने अपना जैसे सूरत इंसान को दिया है। अब बाइबल पढ़ लो, ये अंग्रेजी हैं क्रिश्चियन का ग्रंथ बाइबल में लिखा हुआ है गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, भगवान ने अपना जैसे सूरत उन्होंने इंसान को दिया, कहीं नहीं बताया गया बंदर से आए। आप बंदर का एक बंदर को ले लो, अपना शरीर में मिलाओ, अब मिलेगा तुम्हारे शरीर, उनका नाक जैसे मिलेगा ना, हाथ जैसे मिलेगा ना, पैर मिलेगा ना, नाक कुछ भी मिलेगा बंदर का। लेकिन ठाकुर जी को देखो, कृष्ण बैठे दिख रहे कि नहीं? भगवान कृष्ण को देखो, राम को देखो, और हमारे शरीर को देखो, ऐसे है कि नहीं? कृष्ण की दो आंखें जैसे हमारे देखो दो आंखें ऐसे है कि नहीं? भगवान की 32 दांत हमारे भी 32 दांत है, भगवान की नाक जैसे हमारी भी नाक ऐसे, भगवान का हाथ पैर देखो मिलेगा कि नहीं हमारे साथ में? ना बंदर को साथ में मिलेगा, किसको साथ में मिलेगा? हमारे साथ में मिलेगा। इसलिए हम कोई बंदर से नहीं हुए, हम किससे हुए हैं? बोलो जोर से, भगवान से हुए हैं। इसलिए भगवान ही हमारे असली पिता माता। इसलिए हमारे भारत में देखना हर व्यक्ति का गोत्र होता है, गोत्र होता कि नहीं? तुम्हारे क्या गोत्र है? कश्यप। तुम्हारी? कश्यप। तुम्हारी? भारद्वाज। देखो देखो जितने सब गोत्र, गोत्र आए कहाँ से बताओ? ब्रह्मा जी ने जब 10 पुत्र को सृष्टि किया ना, वो जिस सृष्टि किया, जिस ऋषि की परंपरा से हम आए हैं, वो हमारे वही गोत्र है। आप देखना जो पूजा कराते हैं, ब्राह्मण कहते हैं ना तुम्हारे नाम क्या है, गोत्र क्या है, समझे? तुम्हारे गोत्र आए कैसे? अगर बंदर से होता हमारे बंदर ही तो गोत्र होता ना, हमारे कोई बंदर थोड़ी गोत्र है। इसलिए हम सबके सब श्री भगवान से आए हैं, श्री मनु महाराज से आए हैं, इसलिए हमको मानव कहलाते हैं। इसलिए वहां से जो श्री मनु महाराज से 5 संतान हुए हैं, कहते 2 उनके बेटे हुए हैं और 3 उनकी बेटियां हुई है। 3 बेटी में कौन कौन हुई? बोले कि आकृति, एक देहूति और एक प्रसूति। बोले 2 बेटे में कौन हुए? बोले एक मनु और एक सतरुद्ध हुए। एक मनु और उत्थानपाद, यहाँ एक मनु हुए और मनु महाराज उत्थानपाद और प्रिय व्रत हुए। यहाँ पर जो उत्थानपाद हुए हैं, कहते इनका जो बेटे हुए श्री ध्रुव महाराज हुए, और इनकी 2 पत्नियां थी, कौन थी? एक सुरुचि और एक सुनीति थी। फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 है ना कि विश्व ब्रह्मांड पूरा पूरा बन गया, हम सब के सब इंसान बन गए। अभी हमारे प्रभु जी आपको बताएंगे श्री ध्रुव महाराज की कथा है, कैसे ये ध्रुव महाराज जी 5 साल उम्र में ही उन्होंने भगवान की भक्ति की और 6 महीना में ठाकुर को दर्शन कर लिया। कितने महीना में? 6। लेकिन बड़े बड़े ऋषि लोग क्या करते हैं, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना
बोले जनामा मोनी जाता ना कराई जनामा तो मुनि लोग क्या करते हैं जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं। बोले क्यों? बोले अंत राम कही, अंतिम समय में प्रभु राम का नाम निकल जाए। इसलिए शास्त्र कहता है मरणे जा मति सागरी। बोले मरते समय हम जैसे जैसे स्मरण करते हुए मरेंगे हमारी गति वैसे ही होगा। इसलिए भागवत में कथा है भरत महाराज जिनका नाम पर ये भारत वर्ष हुआ। पहले हमारे भारत का नाम था अजनभ वर्ष, लेकिन जब ये नौ भाग में ऋषभ देव की नौ बच्चे क्षत्रिय हुए हैं इसलिए ये पृथ्वी को नौ भाग में विभाजित कर दिया गया और एक एक बेटे को हिस्सा में एक एक राज्य पड़ा और हमारा जो भारत भूमि उसमें भरत महाराज के हिस्सा में पड़ा। इसलिए हमारे भारत वर्ष का नाम हो गया पहले अजनभ वर्ष से इसका नाम हो गया भारत वर्ष हुआ। इसलिए ये जो भरत महाराज जी इन्होंने अपना संसार को परित्याग करते हुए मलबल परित्याग करते हुए उन्होंने संसार को छोड़कर कहाँ चले गए? भजन करने के लिए चले गए। इसलिए मतलब जो त्याग है ना, देखो ध्यान देकर सुना, इन्होंने संसार को मलबल त्याग किया। त्याग दो तरह का होता है, कहते एक मलबल और एक बंतबल, समझ गए? मलबल मतलब होता है जैसे पायखाना करते हैं मल त्याग करते हैं, और मल त्याग को बाद में देखते हैं कोई देखते हो कोई नहीं देखते, पानी दे करके हम धो देते हैं इसको। लेकिन और एक होता है बंतवत। बंतवत मतलब होता है उल्टी। आप देखना मलबल से जो बंतवत की खतरा है, आप देखना अगर कोई व्यक्ति को उल्टी करते है ना, इसलिए कहते हैं जब कोई उल्टी कर देता है, अगर कोई व्यक्ति एक उल्टी कर देगा अगर उसको देख लोगे ना तुम्हारी भी उल्टी हो जाएगी। लेकिन पायखाना को देखकर उल्टी नहीं होता है, लेकिन उल्टी को देख करके उल्टी हो जाता है। इसलिए श्री भरत महाराज को जो त्याग था वो त्याग कहते हैं ये मलबल। पायखाना करने के बाद जैसे उसको हम उल्टी करके देखते नहीं ऐसे उन्होंने त्याग किया। इसलिए शास्त्र ने बताया जब हम संसार को एक बार त्याग दे देते हैं, अपना पुत्र परिवार को त्याग दे देते हैं, उस तरफ में दो बार फिर ध्यान नहीं देनी चाहिए। उसको दो बार हमें ध्यान नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उसको कहते हैं उल्टी करके जैसे कोई चीज खाते हैं ना बांता से समझते हो, एक बार उल्टी कर दिया फिर दो बार उसको खाए, मतलब क्या? जब हमने घर संसार त्याग दिया साधु बने फिर दो बार संसार की वस्तु से कोई संबंध नहीं रखनी चाहिए। हृदय से कि सारे संबंध को हृदय से हमें त्याग देनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? फिर तुम बांतासी हो गए, जिसको तुमने उल्टी करके छोड़ करके आ गए, फिर उसको चाट करके तुम खा रहे हो, ये नियम नहीं। इसलिए भरत महाराज ने क्या किया, उन्होंने संसार को मलबत उन्होंने परित्याग किया। एकदम जवानी अवस्था में अपना पूरा परिवार को उन्होंने संपूर्ण त्याग दिया। जब उन्होंने त्याग दे करके उन्होंने क्या की, उन्होंने गए जंगल में भजन किया, कठोर भजन किया। लेकिन भजन करते करते क्या हुआ, बीच में एक हिरण पानी पी रहा था। जब पानी पी रहा था इतने में एक शेर ने दहाड़ मारी। जब दहाड़ मारे वो हिरण था गर्भवती, पेट में था बच्चा, उसको दहाड़ सुन करके हिरण ने सोचा शायद मेरे को बाघ खाने के लिए आ रहा है। इतने में छलांग लगाए, जब छलांग लगाई पेट में बच्चा था, डर से उसका पेट से बच्चा निकला।
जब बच्चा गिर पड़ा हिरण तो दूसरे तरफ में चला गया, लेकिन पानी से तो बच्चे को उठा नहीं सकता, हिरण है ना, उठा नहीं सकता। इतने में ये भजन कर रहे थे भरत जी, इतने में इनकी आंख खुली, आंख खुल कर देखा पानी में बहते हुए सत्य बच्चा हिरण बच्चा जा रहा है, इनके हृदय में दया आ गई, तब उन्होंने बच्चे को उठा लिया। यहाँ तक तो सही था, लेकिन उन्होंने क्या किया, हिरण को तो बचाया और उसको अपना आश्रम में पा लिया। जब ये भजन करने के लिए बैठता है, भजन करते 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 बड़ी उच्च स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया, बड़ी उच्च स्थिति को। लेकिन जब भजन करने बैठते हैं ना, यहाँ पर साधुओं के लिए बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं। वो छोटा बच्चा है ना, हिरण का बच्चा, अभी यही इसको घास खिलाते हैं, अभी हिरण बच्चा क्या सोच रहा है, यही से मेरे पिता माता है, इसलिए जब वो बैठते हैं भजन के लिए, ये क्या करता है, गोद में चढ़ जाता है, जो कोमल कोमल जो सींग से पीठ को खुजलाता है, पेट को खुजलाता है। जब वो भगवान की भक्ति करने के लिए बैठते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा अगर गोद में आकर कुदके भजने मन ही लगता है, फिर क्या सोचते हैं, कोई शेर आकर के फिर हिरण को खा नहीं जाए। फिर जब भजन करने बैठते हैं, उसी समय डरते भी रहते, कोई शेर आकर खा गया तो बच्चों क्यों आसक्ति हो गया ना, उसको पर आसक्ति हो गया। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, भैया जो भक्ति करने के लिए सब घर बार पिता माता छोड़ कर आते हैं ना, छोड़ करके तो आ गए अपना पिता माता भाई बंधु, फिर दूसरों के प्रति प्रेम लगा देते, दूसरे में प्रेम लगाते थे, फिर नहीं प्रेम नहीं लगानी चाहिए। महाप्रभु लीला में कोई एक विधवा के कोई छोटा बच्चा था, महाप्रभु शिक्षा देने के लिए छोटा बच्चा विधवा उसको प्रेम करने लग गए। एक महाप्रभु का गुरु भाई था, बोले पंडित जी सन्यासी जी क्या कर रहे हो, ये विधवा के बच्चा है, तुम सन्यासी हो, जब इसको प्रेम करते हो दुनिया क्या बोलेगा, लगता है अंदर अंदर में उसकी मैया को साथ में तुम्हारी कोई संबंध होगा, कोई संबंध होगा, खबरदार इस नहीं काम करना। मतलब भगवान हमें शिक्षा देने के लिए ये सब लीला किया। जब हमने घर बार भाई बंधु हमने सब छोड़ करके आए, एक को छोड़ दूसरे से प्रेम कर ले नहीं तो हम उल्टी करके, जैसे उल्टी को खाना वो बांतासी हो जाएंगे हम सबके साथ, हम बांतासी हो जाएंगे, फिर क्या होगा, भजन में तुम्हारी मन नहीं लगेगी, फिर मन तुम्हारा भटकते हुए लगेगा, फिर लास्ट में क्या हुआ, अंतिम समय मरते समय हिरण को याद किया तो दूसरी जीवन में हिरण बन करके आए, फिर वो हिरण बन करके आए हैं। इसलिए हमें कहीं छुप छुप कर कहीं भैया प्रेम नहीं करनी चाहिए, ऊपर तक दिखाने के लिए नहीं बढ़िया, लेकिन छुप छुप कर किसी दूसरों को प्रेम नहीं करनी चाहिए जो भक्ति करने के लिए आए हैं। इसलिए दूसरे जीवन में क्या हुआ, आसक्ति हो करके हिरण जन्म में बन गए। लेकिन जब हिरण जन्म में गए, ये जो भक्ति है ना, ये कभी घटती नहीं, ये कहते दीन दीन बढ़त सवार, ये भक्ति बढ़ती है। अगली जीवन में तो भक्त भक्त हिरण चिंता किया ना, इसलिए भैया घर में कुत्ते नहीं पालनी चाहिए, क्या नहीं पालनी करनी चाहिए, अगर कुत्ते को पालन करोगे फिर उसको याद करोगे ना दिन रात, याद करते करते क्या होगा, अगर शरीर छोड़ते समय अगर कुत्ते याद आए तो क्या होगा, फिर कुत्ते जीवन में फिर जाओगे तुम, या कुत्ते जीवन में जाओगे। इसलिए ये भरत महाराज जब हिरण जन्म में फिर आए, भक्ति कभी घटती नहीं, भक्ति बढ़ती है, लेकिन उनको पूर्व जन्म की बात नहीं आता। पूर्व जन्म में कई समय भारत का राजा था, सब छोड़ करके भजने के लिए आया, भजन करने के लिए आया, तो हमने आसक्ति कहाँ कर दी, एक हिरण का प्रति आसक्ति की, तो हिरण जन्म हुआ। इसी जीवन में वो हिरण बन करके भी कहाँ पर रहते थे, जहाँ पर साधु संतों का आश्रम है वहीं पर रहा करते थे, और संत लोग प्रसाद पा करके ठाकुर को जो पत्थर छोटा पत्थर फेंक देते थे ना, वो हिरण क्या करता था, उसको चाट चाट करके, ये हिरण चाट चाट कर उसको खाता है। एक तो ठाकुर का प्रसाद, पर संतों का प्रसाद है, इसको खाते खाते उसकी संस्कार धीरे धीरे बढ़ी, बड़ी होने पर अंतिम समय में गंडों की नदी को जहाँ से सालग्राम निकलती है उसी नदी में प्रवेश किया, गले तक पानी भर प्रवेश करते हुए उन्होंने उसी नदी में प्रवेश करते हुए भगवान को स्मरण करते 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 उन्होंने शरीर छोड़ा। छोड़ा तो कहाँ जन्म हुआ, फिर ब्राह्मण घर में जन्म लिया, ब्राह्मण घर में जन्म लिया। पिताजी बहुत कोशिश किया उसको लिखा पढ़ा सिखाए, क्योंकि
पंडित है ना, ब्राह्मण घर में कम से कम पूजा सेवा करके पेट पाल लेगा। देखो यहाँ क्या सिखा दिया, लेकिन भारत महाराज पढ़े नहीं। बोले क्यों नहीं पढ़े, कारण क्या? उनको तीन जन्म की बात याद है, पहले भरत राजा था, कहाँ भारत का राजा छोड़ करके भजन के लिए आए, आकर के हिरण प्रति आसक्ति होने का हिरण बना। इसको बाद में फिर मैंने ये ब्राह्मण घर में आया, अगर इसी जीवन में फिर भगवान की सिवाय और कहीं भी मेरी आसक्ति होगी तो फिर क्या होगा, ये जीवन भी हमारी नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसने जान बुझ करके पढ़ाई लिखाई नहीं किया, क्योंकि लिखा पढ़ा ज्यादा सीख लेंगे ना पिता माता क्या करेंगे, पहले शादी करा लेंगे, फिर अगर शादी कर देंगे फिर घर गृहस्थी की मोह में पड़ जाएंगे, फिर मोह में पड़ जाएंगे तो फिर दुनियादारी के चक्कर में फिर पड़ जाएंगे। इसलिए पिताजी बहुत कोशिश की पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन किसी तरह से जान बुझ कर पढ़ाई लिखाई नहीं है, पढ़ाई लिखाई उसने नहीं किया। पिताजी सोचे कम से कम ब्राह्मण है तो कम से कम पूजा सेवा करके तो पेट पाल ले। बोले भैया आचमन करना सीखो, जैसे आचमन करते हैं ना, आचमन क्या करे, पूरा पूरा लोटे का पानी पी लेता, लेकिन वो सब जानता है, सब जानता है, पंडित है वो सब जानता है, जान बुझ करके उसने पूरा पागल का नाटक किया। इसलिए भागवत में दो व्यक्ति का जीवन ऐसा आता है जिन्होंने पागल का नाटक किया, पूरा नाटक किया, क्यों दो बार संसार की माया में फंस नहीं जाऊं, इसलिए उन्होंने पूरा पूरा नाटक उसने रचाया और किसी तरह से पढ़ाई लिखाई नहीं की। किसी तरह से अंतिम समय में पिता दुखी होकर के शरीर छोड़े, ये बच्चे को हमने कुछ पढ़ाई लिखाया बच्चे को हमने नहीं कर पाए, जब उन्होंने शरीर छोड़े इतने में पिता माता जब चले गए उनके घर में, पहले तो पिता माता बच्चों को खिलाते, अभी भाभी भाई आते, भाभी क्या करती, बोले काम धाम करता नहीं, पागल होकर बैठा रहता है, घर का जितना सड़ा गला जितना बासी फासी रोटी सब्जी दे देता है, लेकिन उससे खा करके सबसे तंदुरुस्त सबसे सुंदर शरीर था, क्यों भगवान की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति में प्रसन्न रहता है, इसलिए सबसे देखने में सुंदर था, ताजे मोटे लंबे चौड़े बड़े सुंदर शरीर। एक दिन क्या हुआ, अगले तो कोई काम धाम करता नहीं, उसको खेती में बैठा दो, कम से कम गैया बकरी आकर के चिड़िया आकर के खा नहीं जाए। जब बैठा दिया ना, इतने में अभी चिड़िया बकरी सबके सब आ गए, बोले राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ में चिड़िया भाई भर भर पे, खेती भी राम की चिड़िया भी राम की, क्योंकि ये महाभागवत है ना, जो महाभागवत संत हैं सभी के हृदय में ठाकुर को दर्शन करते हैं, सभी के हृदय में तो ये ठाकुर को दर्शन करते हैं, पर भगाएंगे कैसे, इसलिए भैया खाओ रे चिड़िया भाई भर भर पे। इतने में छह महीना की परिश्रम थी, ये छह महीना की परिश्रम थी, एक घंटा बैठा दिया तो बाद में आकर देखा सारे बकरी गैया सब खत्म खत्म खेती हो गया। इतने इनकी क्रोध आया, बोलिए बैठे बैठे कर खाता रहना है, छह महीना का खेती एक घंटा में बर्बाद कर दिया, भगा दिया उसको, मार मार कर दिया, जरूरत नहीं घर में। बोले भैया मैं तो यही चाह रहा भगा दे हमें, भगवान की भक्ति करेंगे, भक्ति करके फिर चलते रहा। चलते चलते आगे क्या हुआ, कोई एक डाका का सरदार था डाकू का, उसने भद्रकाली को सामने मनोज किया था, अगर मेरे घर में कोई के बेटा जन्म हो जाएगा ना, हे भद्रकाली तेरे सामने एक नर बलि दूंगा। किसी कारण से घर में हो गया बेटा जन्म, जितने डाकुओं का उपलब्ध देखो, कहीं अगर इंसान के लिए पकड़ करके ले आओ, घूमते घूमते लंबे चौड़े दिखने में बड़े सुंदर, अरे वाह भैया तो बड़ी खुश हो जाएगी, पकड़ करके ले आए। जब पकड़ करके ले आए उसको स्नान कराया, बढ़िया कपड़ा, बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन अभी बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई दुखी नहीं, मेरे को बलि चढ़ाने के लिए, बड़े खुश हो रहा है, बड़े सुंदर, बड़े तरह से स्नान नहीं किया, बड़े सुंदर मल मल करके स्नान कराया, बड़े सुंदर कपड़ा पहनाया, गले में माला पहना, खुश हो रहे हैं। आज तो जैसे बर को सजाते हैं ना, दूल्हा को जैसे सजाते हैं, मेरे को तो दूल्हा बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन कोई डर भय नहीं, काली को सामने बलि चढ़ाएगी, बोले क्यों डर भय नहीं, कहते जाके राखे साइया मार सकना कोई, बाल ना बांटा कर सके जो जगह बैरी हुई। भगवान के ऊपर इसको पूर्ण विश्वास है, जिसको भगवान रक्षा करने वाले, दुनिया में कोई इसको बिगाड़ नहीं सकता है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं।
इतने में उसको गले में जवा फूलों की माला पहनाया, पहना करके माता जी को सामने ले गए, ले करके एक लकड़ी जो प्रकाश का होता है उसको अंदर में गले को फंसा दिया। बड़ी खुश हुई, कोई दुख नहीं। इतने में तलवार उठाया उसको मारने के लिए, उन्होंने तलवार ऐसे उठाया था, इतने में जो माता जी थी ना फट गई, साक्षात रूप में माता प्रकट हो गई। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, प्रकट हो करके वो जो डाका का सरदार का हाथ में जो तलवार था, देवी ने तलवार को छीन लिया, छीन करके जितने डाकू थे सभी की गला को काट करके उसका सर को, जिसे गेंद हम उछालते हैं ना, माता जी ऐसे गेंद को उछालने लग गई। फिर बाद में उन्होंने भरत को अपना गोद में बैठा दिया, बैठा करके माँ कह रही है आज मेरे सामने कितने बड़े अपराध पाप होने जा रहा है, कहां भगवान की इतने बड़े संतों का हत्या मेरे सामने हैं इतने बड़े। तब माता जी बताए बले भरत जी, आप ऐसे क्यों अज्ञान की बहाना क्यों कर रहे हो, आपकी महत्व को लोग समझ रहे हैं, आपको पागल समझ रहे हैं, लेकिन ये भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। कहीं कहीं पुराण में आती है डॉक्टर को जो भरत महाराज जी माता देवी से प्रार्थना करते, बोले तुम तो माँ हो, अगर मेरे पर आप प्रसन्न हो एक काम करो, बोले क्या, बोले जिन जिन की गला को काटे इनके जिंदा कर, इनको देखो जिन लोगों ने मारने के लिए चाहे इनको क्या चाहते हैं कि कल्याण हो जाए, इनको जिंदा कर दो। जब उन्होंने वर मांगे ना, फिर उनको कहीं उन्होंने जिंदा भी कर दिया। फिर बस वहां से चल पड़े। जब वहां से चल रहे थे इतने में थोड़ी दूर गए तो एक राजा रघुवन राजा ये जा रहे थे कपिल मुनि आश्रम में ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। चलते चलते इतने में एक तहारे जो ढोते हैं उनका तबीयत खराब हो गया। राजा कहने वाले पकड़ कर लाओ जो मिले, देखा ये बड़े लंबे चौड़े सुंदर है, हैं बड़े सुंदर, पकड़ कर ले आए, भले इसको लगा दिया। जब लगा दिया लेकिन फिर महाभागवत है सभी के हृदय में ये भगवान को दर्शन करने वाले, लेकिन जब चल रहे थे ना और नीचे देख रहे थे कोई चींटी को ऊपर में कोई कीड़े प्यार के नीचे नहीं आए, क्यों, सभी के हृदय में ये ठाकुर को दर्शन करते हैं, कोई जीव हिंसा हमसे नहीं हो जाए। लेकिन जब चल रहे थे ना, अगर कोई चींटी आ जाए ना, कोई कीड़े मकोड़ा आ जाए, धड़ छलांग लगा दे। अगर चार व्यक्ति अगर बराबर चले तो तभी तो पालकी सही चलेगी, लेकिन जब छलांग लगाते हैं क्या होता है, पालकी तो हिल जाती है। इतने में राजा ने बोले तुम लोग ठीक से क्यों नहीं चल रहे हो, बोले हम तो सही चल रहे हैं, ये जो नए जो कहार वालों को लगाए ये पता नहीं बीच में छलांग क्यों लगा दे, उनको तो पता नहीं ना ये माँ भागवत वहां सुनते हैं। लेकिन और थोड़ी दूर जब गए देखा प्यार से कोई कीड़े नहीं आ जाए, देख करके जोर से छलांग लगा दिया, इतने जोर से हिला इनका सर तक थान करके लगा, बोले दिख नहीं रहा है, बोले देखने में तो हट्टे कट्टे मोटे लग रहा था, बोले तो दुबले पतले है ना, थोड़ी तो ढोने का लायक तो बैठने का लायक है, बोले ऐसे तेरे को दंड दूंगा ना, सब कुछ भुला दूंगा, तेरे मैया की भुला दूंगा, ऐसे तेरे को दंड दूंगा तेरे को। लेकिन अभी तक वो तो बात को सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा जो है ये इनकी बेटे की बेटे की उसकी परंपरा है, उनके नाती पोती लगते हैं, और एक बार जिनको कंधे पर उन्होंने उठाया, बोले जिसको कंधे पर उठाया उसको मैं कैसे देख सकता हूँ, फिर उन्होंने हृदय को काटने वाले ज्ञान की बात बताई, बोले आप जब कह रहे हो आप बड़े मोटे हो, आप थोड़ी ढोने का लाई, हाँ आप तो बैठने का लाई, तो ये मोटा पतला कौन होता है, ये मोटा पतला होता है ये शरीर, लेकिन ये आत्मा मोटा नहीं होता, आत्मा पतली नहीं होता है, ये जो आत्मा है न जायते न मृियते नित्य शाश्वत ही आत्मा है, जिसको नैनम छिंदति शस्त्राणि, जिसको शस्त्र काट नहीं सकती है, नैनम दहति पावक, जिसको अग्नि जला नहीं सकती है, जिसको तलवार से काट नहीं सकती, जो हवा से भिगने वाले नहीं, ये छह विकार से ये अतीत कौन है, ये आत्मा है, ये शरीर तो बांसा से जीर्णानि यथा विहाय, जैसे आपके नया कपड़ा पहने, कपड़ा जो पुराना हो जाते क्या करते, इसको छोड़ करके हम एक नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह की जो आत्मा है
ये अजर अमर ये आत्मा मटे पतले और मोटे नहीं, ये आत्मा नित्य शाश्वत तो ये आत्मा है ना, ये शरीर तो मोटे पतले। उन्होंने जो ये सब ज्ञान की बात बताई ना, बोले ये क्या है, कहारे होकर के इतने ज्ञान की बात बता रहा है। इतने उन्होंने जब देखा है ना, देखा इसको गले में जनेऊ पड़ा हुआ, इसको देख कर खुद पड़े, बोले लगता है तो कोई ब्राह्मण है, हाँ कोई ब्राह्मण है। और ये जो ज्ञान की बात बता रहे हैं, मैं तो यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल मुनि आश्रम में जा रहा हूँ, यही तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। फिर तो उन्होंने प्रश्न किया है, क्या सुंदर उन्होंने प्रश्न किया, आत्म तत्व की प्रश्न की है उन्होंने, बड़े सुंदर उन्होंने उनको उत्तर दिया है। और लास्ट में बताया, बोले रघुबनी न तपस्या न जाती न जया निर्बावना गृहात बाप नैव चंदाग्नि नैव जलाग्नि बिना महत पदो रजो विषत। देखो क्या कह रहे हैं, बोले हे रघुबन महाराज, ये जो आत्म तत्व है रघुबन, न तपस्या, तपस्या से इनको प्राप्त नहीं कर सकते हो, न जाति, बहुत बड़े कुल में जन्म लेकर के भी प्राप्त नहीं कर सकते हो, न छंदसा, अगर कोई बोले दिन भर वेद पढ़ करके कर लूंगा, बोले नहीं, कोई बोले घर बैठे छोड़ करके सन्यासी होने पर हो जाएगा, बोले नहीं, बोले दिन रात अग्नि और वायु को पूजा करके हो जाएगा, बोले नहीं, बोले होगा कैसे, बोले तब तक नहीं होगा जब तक किसी साधु की शरण में, जो सचमुच से कोई संत, जब तक कोई संतों को शरण में आश्रय ग्रहण नहीं करोगे, तुम जीवन में जो कुछ करने पर भी वो आत्म तत्व को तुम उपलब्धि कर ही नहीं सकते हो। बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने ज्ञान की उन्होंने उपदेश उनको प्रदान किया है, इसलिए इसी परंपरा से ही आए। इसलिए आज अभी हमारे प्रभु जी आप कथा सुनाएंगे, श्री ध्रुव महाराज जी कथा सुनाएंगे। देखो जो कल है ये कथा की कितना दिन कल हो, चौथा दिन हो जाएगी, इसलिए कल कथा की चौथा दिन है। चौथा दिन में भगवान कृष्ण जन्म ग्रहण करे, जब मैया जसोदा गर्भ धारण की, जितने ब्रजवासी थे माताएं, वो छह छह महीना पहले 84 गज के लेगा चौधरी बना करके रखे, बोले नंद के लाला होगा तो हम सबके सब पहन करके बधाई देने जाएंगे, इसलिए कल आप लोग गोपियां पर सर धज करके आना, 84 गज के लेगा चौधरी और बड़े सुंदर कपड़े पहन करके, ठीक है, कोशिश करना पीले पीले रंग की, कौन सा रंग की, पीला रंग की, नहीं होगा तो दूसरे से उधार करके पहनना, नहीं कोई बात नहीं, कोशिश करना पीला रंग हो तो अच्छी है, नहीं तो कोशिश करना बढ़िया कपड़ा पहन कर करना, ठीक है, एकदम श्रृंगार करके बढ़िया से, लेकिन कोई सोने का ना, कोई सोने का कोई चीज पहन करके मत आना, क्योंकि कभी कभी बीच बीच में पुतना मासी आ जाती है चोरी करने के लिए, इसलिए सोने का कोई चीज नहीं पहनना। और दूसरे चीज पहन करके बड़े सरधज करके कल हम लोग बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, इसलिए कल कल बहुत सारे भगवान, कल नरसिंह भगवान जन्म लेंगे, कल श्री बामन भगवान भी जन्म लेंगे, कल श्री भगवान कृष्ण लास्ट में भगवान कृष्ण कन्हैया भी कल जन्म लेंगे, कल धूमधाम से भगवान की जन्म उत्सव मनाएंगे। और कोशिश करना अपना घर से जैसे लुटाने के लिए कुछ टब्बी है, कुछ खिलौना है, कुछ पत्ता से है, जो कुछ ला सकते हो लेकर के आना, कल यहाँ पर हम लोग उत्सव मनाएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय, जय श्री राम। एक मिनट कीर्तन कर लेते हैं, बोले आप ध्रुव की कथा सुनिए, ठीक है, मेरे पीछे पीछे ताली बजा के बोलना, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे।
देखो ये जो भैया है इनका नाम अशोक भैया है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये इनकी बिल्डिंग, इनकी पत्नी घरवाली है क्या? घरवाली कहाँ? कल क्यों आएंगे? आज में नहीं, मैंने बोल दिया। इसलिए देखो ये जो बिल्डिंग देख रही है, बिल्डिंग का ही मालिक है। देखो जिस बिल्डिंग में भगवान की कथा होना, वो बिल्डिंग नहीं है, भगवान गोलोक वृंदावन बन गया। ये वृंदावन धाम हो जाता है का जितने तीर्थ है, ये बच्चा बैठो, जितने तीर्थ है पृथ्वी की, सारे तीर्थ उसी घर में आ जाते हैं। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि। अगर कुछ घर का अमंगल हो, वो सारे घर का अमंगल खत्म हो जाता है। इसलिए जिस घर में भागवत कथा हो, इनका दिल देखो कितना बड़ा दिल है। इन्होंने बोले यहीं पर ही भागवत कथा करो, कोई बात नहीं, हमारे घर में ये भागवत कथा हो, बहुत अच्छी बात। ऐसे दिल मिलना बड़ा कठिन है, ऐसे दिल वाले होना बड़ा कठिन है। इसलिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, खूब इनको ठाकुर जी सुख शांति दे, घर में खूब मंगल हो, खूब हल्के फुलते रहे। और इन्होंने एक दिन भंडारा भी दिया है, आपके लिए प्रसाद भी दिया, इसलिए इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। कल अपना पत्नी को लेकर घर है, ठीक है? हाँ, कल ठाकुर जन्म लेने वाले, कृष्ण जन्म लेने वाले, ठीक है? कल बड़े पत्नी को बनना सर खर्च कर गाना, आप भी बढ़िया सुंदर से सर खर्च कर गाना, ठीक है? बोले सी बोले राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
निरांदश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै शिवगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यं कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तथा श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु विभाव वंश करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग स्वपार्थ सफरीकर गौर नित्यानंद प्रभु रूपानुग गुरुवर्ग वृंद स्वपार्थ सफरीकर श्री राधा विनोद बिहारी जीव समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद कथा श्रवण करी आप सभी भक्त वृंद के चरण में अधम का जथा जो दंडवत प्रणाम स्वीकार। सब लोग कृपा करके थोड़ा आगे आगे आ जाइए। हरे कृष्ण बोलो भक्त वत्सल भगवान की थोड़े आगे आ जा और थोड़ देर एकदम लग करके बैठ एकदम बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय उत्थान पादस्य सुरुचि सुनति स्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्यु नितरां सुखदेव गोस्वामी पाद चतुर्थ स्कंद में ये उत्तानपाद जी के चरित्र को वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उत्तानपाद इनके दो पत्नी है सुरुचि सुनुति हो इनके दो पत्नी एक का नाम है सुरुचि और दूसरे के नाम है सुनीति। और बता रहे हैं साधारण जगत में अगर देखा जाए तो शास्त्र के टीकाकार बता रहे हैं कि उत्तानपाद और कोई नहीं ये भैया हम ही हैं ये उत्तानपाद हम ही हैं और हमारा दो पत्नी है। देखो कैसे बता रहे हैं उत्तानपाद यानी जिसके सर नीचे की तरफ हो और पैर ऊपर की तरफ हो ऊर्ध्वपद्म जिसके पैर ऊपर की तरफ हो। तो देखा जाए तो मातृगर्भ में हम सबके सब कैसे आते हैं सर सबके नीचे रहता है और पैर ऊपर की तरफ रहता है। बोले हमारा दो पत्नी कौन कौन सा बोले सुरुचि और सुनीति। सुरुचि क्या स्वच्छ रुचि जैसे सुरुचि जो अपने रुचि में लगा रहता है मनमर्जी जो काम करता है शास्त्र से भक्ति भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। मन क्या चलो भैया आज प्रसाद में खाते खाते बोरिंग लगने लगा है चलो थोड़ा बाहर रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा बर्गर खाते हैं बोले चले गए। मन किया आज कि शरीर को थोड़ा शॉपिंग करके चले आते हैं शॉपिंग करने चले गए। मन किया तो थोड़ा टहलने के लिए बाहर मूवी देखने चले गए। जो मन में आता है वो मन में करते हैं शास्त्र की नीति को कोई अपनाते नहीं उसको बोलते हैं सुरुचि। लेकिन दूसरा है सुनीति। सुनीति यानी सुष्ठुर नीति जस्या शास्त्र की नीति में जो पूरा बंधे हुए हैं अपने जीवन को पूरा नीतिमय बनाए हुए हैं। जैसे बता रहे हैं कि शास्त्र में बताया गया है कि प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ के नहा धो करके भैया भगवान को भजन करो भगवान की आरती करो तुलसी जी में पानी दो ये सब भक्ति के कार्य जो करते हैं वो है सुनीति। तो बता रहे हैं कि उत्तानपाद के दो विशेष करके पत्नी हैं सुरुचि और सुनीति। इसलिए समझ शास्त्र में बता रहे हैं कि हमको अपने रुचि के हिसाब से नहीं करना चाहिए जो शास्त्र में बताया गया है उसके नीति को हम
पालन करना चाहिए। इसीलिए देखो नीति कहता है कि भाई सुबह जल्दी उठ जाओ, लेकिन सर्दी के मौसम हो, ठंडे बहुत जोर से लग रही है, तो नीति तो कह रहा है जल्दी उठ जाओ, 4 बजे नहा धो के भगवान की सेवा करो, लेकिन रुचि कह रहा है कि नहीं नहीं थोड़ा और सो जाओ। नीति कहता है भगवान के भक्ति करूं, कथा कीर्तन सब सुनने के लिए जाऊं, भागवत कथा हो रही है और कथा में जाके 3 घंटा बैठ जाऊं, लेकिन रुचि कह रहा है अरे कथा में बैठ के क्या मिलेगा, इससे अच्छा तो क्लब में चले जाऊं डांस करने में मिलेगा, इससे अच्छा तो मूवी देखने चले जाऊं, इससे अच्छा तो पड़ोसी से लड़ाई कर लूं, ये रुचि कहता है। इसलिए देखो भैया जो जो रुचि को अपनाते हैं उनका हर समय अमंगल ही होता है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं रुचि का पुत्र है सुरुचि का पुत्र उत्तम और सुनीति का पुत्र है ध्रुव। तो उत्तम अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं कि रुचि को अपनाने से उत्तम कैसे होगा, तो बता रहे हैं दो रास्ता 100-100 किलोमीटर के रास्ता है। एक रास्ता में क्या हुआ है ना 90 किलोमीटर तक तो कांटा बिछाया गया है और अंतिम में उसको तो बस 10 किलोमीटर तक तो फूल बिछाया गया है, फिर पूरा का पूरा रास्ता 90 किलोमीटर तक कांटा ही कांटा है और बाकी जाके एक गड्ढा है। और दूसरा रास्ता है कि थोड़े दूर तक तो कांटा है, फिर पूरा का पूरा सुंदर सुगोमल फूल बिछा हुआ है, बड़ा पखमली पूरा चादर बिछा गया है हाँ, और उसके अंतिम में भगवान खड़े हैं। तो बताओ कौन से रास्ते में जाओगे, कौन से रास्ते में जाओगे? बोले जो फूले बिछे हुए हैं। थोड़े तो कष्ट होगा लेकिन ये कष्ट को सहन करके, जो ये कष्ट को पूरा थोड़े बहुत सहन करके अगर उसी रास्ते में जाते हैं, सुनीति के नीति के रास्ते में जाते हैं, तो अंतिम में वो भगवान के चरण तक पहुंच जाते हैं। इसलिए बता रहे हैं देखो जो उत्तम क्यों कहा गया, बोले ये उत्तम उर्गत तमयति उत्तमः, बोले ये तमोगुण को पैदा करने वाला है। लेकिन जो फूलों वाले रास्ता में जाओगे वहाँ ध्रुव महाराज जी हैं, ध्रुव महाराज जी यानी ध्रुव यानी सत्य, ध्रुव यानी निश्चल, ध्रुव यानी स्वयं भगवान। तो बता रहे हैं अगर फूलों वाले रास्ता में भैया जाओगे तो भगवान को प्राप्त करोगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं। उत्तान पाद सुनीति की तरफ देख भी नहीं रहे, सुरुचि प्रेयसी तस्य, सुरुचि को बड़ा प्रेम कर रखे हैं, सुरुचि को अपने जीवन में पूरा का पूरा आदर, सुरुचि को अपने जीवन में अपनाया है। सुरुचि बोलते हैं भैया उठ जाओ, सुल्तान पाद उठ जाते हैं, सुरुचि बोलते हैं बैठ जाओ, बैठ जाते हैं, सुरुचि जो जो इशारा करती है सुल्तान पाद वही करते हैं। एक समय की बात है राजमहल में ये उत्तान पाद अपने छोटे पुत्र उत्तम को गोद में लेके बिठा करके बड़े लाड़ प्यार कर रहे थे। अब इतने में ध्रुव महाराज जी छोटे से उम्र के, ध्रुव महाराज जी 5 साल के आयु है, अब अपने सखाओं के साथ खेल कूद करते करते दूर से देखा कि महल में पिताजी क्या कर रहे हैं, मेरे छोटे भैया को गोद में बिठा करके लाड़ प्यार कर रहे हैं। तो उनका भी बड़ा इच्छा हुआ, मन में इच्छा हुआ भैया मैं भी तो पुत्र हूँ, क्यों मैं भी ना जाके पिता के गोद में जाके बैठ जाऊं। अब इतने में ध्रुव महाराज जी भी जाते हैं और पिता की तरफ हाथ ऊपर उठा कर भी बोलते हैं कि हे पिता आप मुझे गोद में बिठा लो। अब इतने में उसी समय पे उसी स्थान पे सुरुचि माता खड़ी थी। अब सुरुचि माता दौड़ करके आ गए, बोले रे अभागा पुत्र, रे अभागा ध्रुव, तुमने अपने तुम्हारे पिता का संतान निश्चित रूप में हो सकते हो लेकिन तुम मेरे संतान नहीं हो, तुम मेरे संतान नहीं हो, इसीलिए तुम क्या करोगे, तुम्हारे पिता के गोद में तुम नहीं बैठ सकते, तुम पिता के गोद में नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें पिता के गोद में बैठना है तो अदक्ष जो पाद पद्म आराध्य भगवान, तुम क्या करो उस अदक्ष जो पाद पद्म जो भगवान को उनको भजन करो, उस भगवान को भजन करो, और भजन करने के बाद अगर यद्यपि भगवान तुम्हारे भजन में रीच गए, भगवान तुम्हारे भजन में संतुष्ट होके प्रकट हो गए, तो वो बोलेंगे वर मांगो, तो तुम बोल देना कि मुझे कृपा करके सुरुचि के गर्भ में जन्म ग्रहण करवाइए ताकि मैं पिता के गोद में बैठ सकूं। देखो कैसे कठोर वाक्य कह रही है सुरुचि। कहां हम देखते हैं जागतिक जगत में भी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी अगर हाथ उठाते हैं तो हम क्या करते हैं उनको गोदी में ले लेते हैं,
ये यहाँ पे सुरुचि का कठोर वाक्य सुन के ये ध्रुव महाराज जी तो स्वभाव से क्षत्रिय है, इनको बड़ा गुस्सा आया। अब ध्रुव महाराज जी सोच रहे हैं ये भीमाता तो ऐसे भले ही कह क्यों ना कहे, शायद पिता मुझे गोद में उठा ले। पिता की तरफ देख रहे हैं कि पिता कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, क्योंकि ध्रुव महाराज नहीं चाहते कि उत्तम को गोद से हटा दो और आप मुझे गोद में बिठा दो। ये चाह रहे हैं कि भैया आप, मैं भी तो आपके पुत्र हूँ, उत्तम को भी बिठाओ और मुझे भी गोद में ले लो। लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप में उत्तान बाद सुरुचि के बसीभूत में है, इसलिए ध्रुव महाराज जी हाथ ऊपर करके पिता को बुला रहे हैं, फिर भी वो ध्रुव महाराज जी की तरफ नहीं देख रहे। इतने में तो ध्रुव महाराज जी बड़े जोर से रोने लगे। भागवत जी में वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार एक सांप है, अब सांप को डंडा मार दो बताओ क्या होगा, काटेगा। सबसे पहले तो उसका फन को ऊपर करेगा और फुत्कार करने लगेगा। उसी प्रकार ये क्षेत्रिय है और इनको अपमान सहन नहीं होता। यहाँ पे जैसे ही उन्होंने अपमान किया उनके भीमाता ने, तो वो जोर जोर से रोते हुए माता सुनीति के महल में चले गए। सुनीति माता को रोते हुए जैसे ही उनको उनके पास गए, सुनीति माता दूर से ही उनको देख करके आलिंगन किया। आलिंगन करते हुए सुनीति माता ने अपने पल्लू निकाल कर भी सुनीति माता ध्रुव महाराज जी के अश्रु को पोंछ दिए। अब ध्रुव महाराज जी तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, छिसक छिसक के रो रहे हैं। सुनीति माता भी उनको देख करके उनके मन में बड़ा दुख हो रहा है। बोले उस समय अंतपुर के कुछ दासियां थी, वो दासियां बोलने लगे कि हर समय सुनीति माता का तो महल में अपमान हुआ करता था, आज क्या हुआ ना राजकुमार का भी राजमहल में अपमान हो गया। बस सारे दृष्टांत सुना दिए। अब जैसे ही सुन के सुनीति माता तो बड़े दुखी हो गए और दुखी होने के बाद ध्रुव महाराज जी को सांत्वना दे रहे हैं। देखो आजकल के माताएं होते तो क्या करते, बोले हाथ पकड़ के खींच के ले जाते, चल तेरे पापा ने तुझे कैसे नहीं बिठाया, अभी हवालात का दिखा दूंगा मामा के घर, होता है कि नहीं आजकल के, कैश रोक दूंगा। लेकिन सुनीति माता, सुनीति इनका नाम ही सुनीति है, ये शास्त्र की नीति को हर समय अपनाएंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे ही ध्रुव महाराज जी रो रहे हैं, सुनीति माता उनको समझा रहे हैं, बोले देखो अरे अभागा, तुम्हें बैठना था तो मेरे गोद में आके बैठते, तुम पिता के गोद में क्यों गए थे, मैं क्या मर गई हूँ, मैं तो अभी जिंदा हूँ ना, तुम मेरे गोद में बैठ जाते। और देखो बेटा यद्यपि तो तुम्हारे भीमाता है, फिर भी उन्होंने तुम्हें तो बढ़िया एक बात किए हैं, एक अच्छी बात किए हैं और एक बुरे बात किए हैं। बोले अच्छी बात क्या किए हैं, बोले उन्होंने तुम्हें भगवान के भक्ति करने का उपदेश दिया है, उन्होंने बोला है कि तुम भगवान के भजन करो, ये अच्छी बात है। बोले बुरी बात क्या है, बोले एक बुरी बात ये है कि भगवान का भजन करने के बाद जीव 84 लाख जोनी में भटक रहे हैं और भगवान को भजन करते हैं, और भजन करने के बाद भगवान के चरण कमल को दर्शन होता है, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, फिर वो जीव क्या भगवान को वरदान मांगेगा कि फिर पुनः मातृगर्भ में आने के लिए, बताओ। बोले नहीं, एक बात उसने बहुत बुरी किया है, जिस वैकुंठ भगवान के भजन करने के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं और भगवान गीता में कहते हैं जगत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, जिस धाम को जाने के बाद जीव और इस जगत में नहीं आता, जिस धाम को जाने के बाद 84 लक्ष जोनी में जो हम भटक रहे हैं मातृ गर्भ में और जीव नहीं आता, तो उसी धाम को जाने के बाद भी तुम्हारे भीमाता ने कह रही है कि मेरे गर्भ में आके जन्म लेना पड़ेगा। अरे बताओ तुम्हारे पिता कब तक तुम्हारे ये पिता रहेंगे, तुम्हारे पिता कब तक वात्सल्य प्रेम प्रदान करेंगे। लेकिन बैठना है तो उस अधोक्षज उस भगवान नारायण के गोद में बैठो, जो वात्सल्य प्रेम के सिंधु है उनके गोद में बैठ जाओ। तब इसी प्रकार जैसे ही ध्रुव महाराज जी को सांत्वना प्रदान करते हैं, और ध्रुव महाराज जी को सांत्वना प्रदान करके ध्रुव महाराज जी को भजन को उपदेश दिया। अब भजन के उपदेश देने के बाद ध्रुव महाराज जी वन के तरफ चले गए।
बन के तरफ 5 साल के आयु है ध्रुव महाराज जी का, बन के तरफ चले जा रहे हैं। नारद जी दूर से देखे, अभी अभी हम श्रवण कर रहे थे ना, नारद जी कौन है? बोले ये झगड़ा लगाने वाले नहीं है। ये नारद जी का काम क्या है? ना भक्त को भगवान से मिलाना, भक्त को भगवान से मिलाना, ये नारद जी का काम है। नारद जी देख रहे हैं, अरे छोटे से ध्रुव 5 साल के उम्र में, ये छोटे से बच्चा खेलने कूदने की उम्र है, अब ये बन की तरफ जा रहा है, वो भी भगवान के भजन करने के लिए। बोले नारद जी नारायण नारायण करके बिना बजाते बजाते हुए आगे। बोले नारद जी को देखे ध्रुव महाराज जी प्रणाम किए, प्रणाम करके नारद जी कह रहे हैं, अरे ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले ध्रुव महाराज के भजन करने जा रहा हूँ, भगवान का भक्ति करने जा रहा हूँ। अब इतने में नारद जी कह रहे हैं, अरे ये तुम्हारा कोई भजन करने का उम्र है? नारद जी देखो परीक्षा ले रहे हैं, बोल रहे ये तुम्हारा कोई भक्ति करने का उम्र है? अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने का उम्र है। मान अपमान ये सब बड़ों को होता है, छोटे छोटे बच्चों को ये सब मान का मान और अपमान से क्या लेना देना, पर तुम तो अभी छोटे हो। तुमको अगर पिता ने या माता ने कुछ बोल दिया तो चलो मैं उनको समझा दूंगा, मैं उनको साथ बात करूंगा, गोद में बैठने की बात तो चलो मैं कहूंगा, वो तुम्हें गोद में बिठा लेंगे। और कहाँ तुम भजन करने के लिए वन में जा रहे हो? पता है वन में क्या रहता है? बोले बाघ भालू शेर चीता ये सब जंगल में रहते हैं, बोले ये सब के सब तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव महाराज जी तो नारद जी के ऊपर से नीचे तक देखने लगे, ऊपर से नीचे तक देख कर ध्रुव महाराज जी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रभु आप सच में नारद जी हो? आप क्या वास्तव में नारद जी हो? हमने सुना था नारद जी भगवान और भक्त को आपस में मिला देते हैं, आप तो मुझे भड़का रहे हो और फिर घर के तरफ ले जा रहे हो। आप क्या सच में हो ये नारद हो? वास्तव में क्या आप नारद जी हो? तब नारद जी ध्रुव महाराज जी का जो निष्ठा को देख के रीझ गए और बोलते हैं, तुम जैसे शिष्य को अगर भगवान को उपदेश करूंगा तो निश्चित रूप में तुमको भगवान प्राप्त होंगे। इतने में नारद जी क्या किए, ध्रुव महाराज जी को मंत्र प्रदान किए। गोस्वामी जी कहते हैं, बिना गुरु भव निधि तरए न कोई, बिना गुरु भव तरह ना कोई। बिना गुरु के कृपा से इस जगत से हम कोई तर ही नहीं सकता है, भगवान का प्राप्त किसी को हो ही नहीं सकता। अब नारद जी ने ध्रुव महाराज जी को गुरु मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर के ये द्वादश अक्षर मंत्र प्रदान किया। और मंत्र प्रदान करते हुए नारद जी उनको भजन की शैली भी बता दी कि देखो देखो तुम्हें इस प्रकार का भजन करना है। अब ध्रुव महाराज पूछ रहे हैं कि मैं भजन कहाँ करूं, अब मैं कहाँ भजन करूं? तो नारद जी कह रहे हैं, तत्तात गच्छं भद्रते जमुनायां स्तटं सुचे पुण्यं मधुवनं जत्र सानिध्या नित्यदा हरे। नारद जी ने ध्रुव महाराज जी को भजन के 2 अनुकूल परिवेश प्रदान किया, 2 अनुकूल परिवेश प्रदान किया। बोले कैसे ना, एक तो मधुवन देखे हो, वृंदावन के अंतर्भुक्त, वृंदावन में द्वादश वन है, द्वादश वन में उसके अंतर्भुक्त एक वन का नाम है मधुवन, जिस मधुवन में साक्षात ठाकुर जी गोचरण करते थे। सूरदास भोर भयो गए गयन क्यों पाछे, खायो मया मोरे मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गए गयन के पाछे मैया मैं कहाँ माखन खाया, तुम तो सुबह सुबह मुझे गयों को लेके भेज देते हो और मधुबन में मैं जाके
गयो को गोचरण करता हूँ। तो जहाँ पे ठाकुर जी ने सुंदर सुंदर लीलाएं किए, गोचरण किए, और जहाँ पे मध्यान्ह कालीन लीला आदि करते हैं, उसी स्थान पे दिव्य वृंदावन धाम में वो धाम का स्थान दिया। और दूसरा बता रहे हैं यमुनायम तटम सुचि, यमुना जी के सानिध्य प्रदान किया। तब यहाँ पे ध्रुव महाराज जैसे ही यमुना जी वृंदावन आए, वृंदावन आके यमुना में स्नान किए, स्नान करने के बाद ध्रुव महाराज जी जैसे ही वो मंत्र को जाप करने लगे त्रिसंध्या आदि करके, तब एक महीने में ध्रुव महाराज जी कुछ बेर और कपित फल को खा करके रह जाते थे। फिर धीरे धीरे एक महीने में वो बेर और कपित फल को खाना छोड़ दिया और दूसरे महीने में पत्ते खाने लगे, तीसरे महीने में पत्ते छोड़ दिया, जल पी कर भजन करने लगे, चौथे महीने में जल भी पीना छोड़ दिया, केवल एक बार श्वास लेके भजन करने लगे, पांचवे महीने में श्वास भी छोड़ दिया, अस्थि अस्थि गत प्राण, यानी बता रहे हैं कि श्वास लेने से कैसे बच सकते हैं, तो बोल रहे हैं कि अस्थि से उनके शरीर को पूरा ऐसे ऊर्जा निकलने लगा कि ब्रह्मांड में जितने भी श्वास अवरुद्ध हो गए, देव तरुण ठाकुर जी के पास पहुंच गए। और सातवें महीने में साक्षात भगवान सहस्रासिरोपी गरुत्मता दिद्रुक्षया पुण्य मधु अनंतता, कि भगवान स्वयं दौड़े हुए दिद्रुक्षया गता, अरे ठाकुर जी यहाँ दौड़े हुए गरुड़ जी के पीठ पर बैठकर दौड़ करके ठाकुर जी जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हैं ठाकुर जी? देवतागण पूछ रहे हैं, प्रभु आप क्यों जा रहे हो? लक्ष्मी पूछ रहे हैं क्यों जा रहे हो? अरे मैं ध्रुव महाराज जी को दर्शन करने नहीं, दर्शन मैं स्वयं उनको देखने के लिए जा रहा हूँ, मैं स्वयं उनको दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तब भगवान प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव महाराज जी चक्षु नहीं खोल रहे। अब जैसे ही ध्रुव महाराज जी हृदय में जिस ठाकुर जी को भजन कर रहे थे, ठाकुर जी थोड़े समय तक उनके हृदय के भाव को अंतर ध्यान जैसे ही कर दिया, साक्षात ध्रुव महाराज विचलित हो गए, आँख खोले। आँख खोलने के बाद ध्रुव महाराज जी वहाँ पे भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन किया। ध्रुव महाराज जी का इच्छा था कि भगवान को थोड़ा स्तुति कर लूं, लेकिन अभी छोटे उम्र है, ध्रुव महाराज जी पढ़े लिखे नहीं। तब ध्रुव महाराज जी के भाव को जान के भगवान ने रूपांजलि ब्रह्ममये नकंबुना बबर्ष बालम कृपया कपोले, पांचजन्य वेद रूपी संघ को भगवान ने ध्रुव महाराज जी के कपोल पे स्पर्श करवा दिया। जैसे ही स्पर्श हुआ, ध्रुव महाराज जी 12 श्लोक में भगवान की स्तुति करते हैं। अब भगवान ने बोलते हैं कि ध्रुव महाराज जी कुछ वरदान मांग लो। तब ध्रुव महाराज जी बोलते हैं कि प्रभु वरम न जाचे कृतार्थ अस्मि, प्रभु मुझे कोई वर नहीं चाहिए, अगर आप वरदान देना चाहते हो तो केवल मुझे केवल आपके साधु संघ के वरदान दो, भक्ति मुह प्रवतम तोय में रुशंगा, केवल भक्त के संघ का संघ मिले, ऐसे ध्रुव महाराज जी ने वहां पे वरदान मांगते हैं। जिस समय ऐसे भगवान ने वरदान मांगे, ध्रुव महाराज जी को वरदान देते हुए ठाकुर जी ने सारे के सारे बोलते हैं, ध्रुव महाराज जी अर्थार्थी भक्त हैं, इसलिए भगवान ने उनको 36,000 साल तक राज्य भोग करने का उनको सौभाग्य प्राप्त करवाया। 36,000 साल तक जब ध्रुव महाराज जी इस राज्य को भोग के, एक दिन संध्या करते समय ध्रुव महाराज जी देखे साक्षात काल आ गया और स्वर्ग से विमान लेके श्री भगवान के पार्षद गण आ रहे हैं। तब ध्रुव महाराज जी ने पार्दम कालम पार्दम तथ्य आराहो तब अद्भुतम, काल के सिर के ऊपर पैर रख के ध्रुव महाराज जी विमान पे बैठे। तो जैसे ही ध्रुव महाराज जी विमान पे बैठ रहे थे, उन्होंने विष्णुदूत से एक प्रश्न पूछा कि भैया जिन माता सुनीति के कृपा से मैंने भक्ति किया, जिन माता सुनीति के कृपा से आप मुझे लेने आए हो, वो मेरे माता कहाँ है? तो विष्णुदूत बोलने, देखो तुम जैसे पुत्र को पाके माता धन्य हो गए हैं, ऐसे माता धन्य हो जो ध्रुव जैसे पुत्र को जन्म देते हैं। देखो तुमसे पहले ऊपर देखो कि तुम्हारे माता अलग एक दिव्य विमान में बैठकर नित्य धाम में जा रही है। तब ध्रुव महाराज जी यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि देखो माताएं के लिए यहाँ पे विशेष शिक्षा है, माताएं अपने बच्चे को अगर ध्रुव प्रहलाद जैसा बनाना चाहते हैं तो अच्छा संस्कार, अच्छा शिक्षा, अच्छा धर्म के संस्कार, शिक्षा सब दिखती है, तभी जाके पुत्र क्या करेगा, आपको सेवा करेगा। नहीं तो देखना आजकल का परिस्थिति ऐसा है कि अंतिम समय में आपको लेके वो सेवा नहीं करेगा, बोले वृद्धाश्रम में लेके डाल देगा, ऐसा परिस्थिति हो गया है।
इसीलिए माताएं हर समय माताएं का ये उत्तरदायित्व है कि अपने बच्चे को अच्छा संस्कार अच्छा शिक्षा दे। और भैया लोगों का पुत्र का भी कुछ उत्तरदायित्व होता है कि भैया हम माता पिता को नरक नहीं भेजेंगे, क्योंकि पुत्र जो भी कर्म करते हैं उनको सारे के सारे पाप माता पिता को भोगना पड़ता है। स्वर्ग में भी उनको शांति नहीं मिलता, नरक में भी उनको शांति नहीं मिलता, ऐसा स्थिति हो जाता है। इसीलिए माता का भी उत्तरदायित्व है कि पुत्रों को अच्छे संस्कार दें, और पुत्रों का भी अच्छे उत्तरदायित्व है कि वो अपने माता पिता को नरक ना भेजे, इसलिए भगवान का भक्ति करे। और गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ये कथा में एक शिक्षा है, जिस समय से ध्रुव महाराज वैकुंठ विजय कर रहे थे वो काल भी आ गया, बोले मेरे को स्पर्श किए बगैर जा नहीं सकते, बोले बैठ जाओ। जब बैठ गए उनके सर को ऊपर प्यार रख करके ये शरीर त्याग देना नहीं पड़ा। इसी शरीर से उन्होंने जब भगवान को धाम में जा रहे थे, इतने में मैया की याद आई, बोले मेरी मैया कहाँ है? बोले मैया को क्यों ढूंढ रहे हो? माताएं ध्यान देकर सुनाओ, जितने माताएं अच्छी तरह से सुना, ये तुम्हारे काम की। बोले आज जो मैंने भगवत प्राप्ति की है वो माँ की आशीर्वाद से, क्योंकि मैंने मेरे को मैया ने बोली थी, बोले बेटा ये पिता कब तक रहेंगे, तू कब तक रहोगे? अगर भगवान की गोद में बैठोगे तो कभी उतरने का जरूरत नहीं, कभी उतरोगे नहीं, जिंदगी भर के लिए बैठ ही रह जाओगे। इसी पिता से करोड़ों गुना ज्यादा प्रेम देगा कौन? ठाकुर जी। इसलिए तुम भगवान की भक्ति करो। मैंने माँ की आशीर्वाद से मैंने भक्ति करके आज मैं वैकुंठ विजय कर रहा हूँ, इसलिए मैया को लिए बगैर जाऊंगा नहीं। तब विष्णु दूत ने कहा, ऐसे जो माता जी तुम्हें भक्ति की शिक्षा दी है, देख तेरे से पहले देखो जो रथ जा रही है, तेरी मैया वैकुंठ जा रही है पहले, उसको पीछे पीछे तू जा रहे हो, पहले तू नहीं पहले माँ जा रही है। मतलब क्या? अगर हम बच्चे को भक्ति की शिक्षा देंगे, पहले आप वैकुंठ जाओगे, बेटा नहीं आप वैकुंठ जाओगे। लेकिन बच्चे अगर नालायक बन गया, भक्ति भक्ति नहीं किया, शराब पिए, मांस खाए, जुआ खेले, कहते तो उसका पाप भी कहां तक लेना पड़ेगा। देखो ये पुरानी की कथा अच्छे तरह से सुन लो। बोले एक समय कोई एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया, एक समय कोई एक योगी पहुंचा स्वर्ग में, देखा वो व्यक्ति को रत्न सिंहासन में, सोने की सिंहासन में बैठा हुआ, और उसको अप्सरियां चावर भेजने कर रही थी, बड़ी सेवा कर रही थी, लेकिन वो स्वर्ग में सोने के सिंहासन में बैठी बैठी करके रो रहा था, बेहोश हो रहा था। बोले भैया तुम बेहोश क्यों हो रहे हो, रो रहे हैं क्यों? बोले मेरे से भी गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले बच्चों को मैंने सदमार्ग नहीं दिखाया, पुण्य तो किया इसलिए स्वर्ग में आए, लेकिन बच्चों को मैंने सदमार्ग नहीं दिखाया, और मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था बच्चे उसी पैसा से शराब पी रहे हैं, उसी से मांस खा रहे हैं, उसी से लड़कीबाजी कर रहे हैं, उसका जो पाप है ना, मेरे को स्वर्ग में भी उसका पाप मेरे को नहीं छोड़ रहा। अगर हमने पैसा कमा करके छोड़ कर गए, बच्चे नालायकी बन करके पैसा को असत व्यवहार किया, शास्त्र कहना है तुम स्वर्ग जाने पर भी वहां पर भी तेरे को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए क्या करो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो। कितने पैसा कमा करके दे कर गई वो बड़ी भारी बात नहीं है, तुमने बच्चों को कितने संस्कार दे कर गई ये सब बड़ी भारी बात है। कितने पैसा छोड़ कर नहीं, किसी संस्कार तुमने दिया। इसलिए घर में ये नियम बनाओ, क्या नियम बनाओगे, माताएं सिर्फ कान खोल कर सुनो, घर में ये नियम बनाओ जब तक बच्चे को स्नान करके बोलो रामायण दो चौपाई पढ़ो, गीता की एक श्लोक पढ़ो, नहीं तो उनको बोलो एक माला करो भगवान के नाम करके जाओ। आप बोलोगे बच्चे बात नहीं सुनेंगे, क्या बोलोगे आप बताओ? बच्चे अगर 8 बजे स्कूल जाता है कितने बजे उसको उठाते हो, कितने बजे उसको सुलाते हो? जोर जबरदस्ती सुलाते कि नहीं, उसको सुलाते कि नहीं, उठाते कि नहीं, स्नान करके टिफिन दे करके और सारे बैग को बोझा जैसे उससे भी ज्यादा भोजन का पीछे पर लटका करके उसको स्कूल भेजते कि नहीं? वही बच्चा जब ज्यादा पढ़ लिख जाता है ना, क्या करता है, पिता माता का सेवा नहीं करता, गाली देता है, ए तो गंभीर क्या जानती हो, हमने PhD किया, इंजीनियरिंग किया,
अरे उसको एक गाली सुनने के लिए तो उसको भेज रहे स्कूल में, ऐसे संस्कार करना नहीं जानती हो। सवेरे उठो, सबसे पहले पिता माता की चरण छुओ। क्या करो, भगवान राम क्या करते थे, सवेरे उठ करके पहले पिता माता की चरण छूते थे। भगवान जब सही जब दशरथ महाराज सही में किए होंगे, आप देखना भगवान राम स्वयं चरण सेवा करते, क्योंकि उनके संस्कार पड़ी है, संस्कार पड़ी है ना। इसलिए अब तो यहाँ पर रहते हो, देखना शुक्रवार का दिन, देखना हमारा मुसलमान भाई लोग इतने इतने छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना कर ले जाते हैं, मेन रोड को जाम कर देते हैं। करते थे कि नहीं, करते कि नहीं? आप किसी मुसलमान बच्चे को पूछो पुराना बोलो, देखना झड़ा झड़ा बोलेगा। मैंने जयपुर गया था कथा करने के लिए, मैं आ रहा था, देखा 10 साल का बच्चा पतंग उड़ा रहा था। मैंने पूछा तेरा नाम क्या, उसी नाम से पता चला मुसलमान। मैंने कहा तेरे को पुराना आती है, वो छाती फुला करके कहा पुराना आती है, बोले मैंने बताओ तो झड़ा झड़ा बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तेरे धर्म में कितने साल उम्र में कुरान पढ़ाते, वो कह रहा है कंपलसरी 2 साल उम्र में हमारे मुसलमान में कुरान को पढ़ाया जाता है कंपलसरी। अब हमारे किसी बच्चे को गीता के श्लोक रामायण का चौपाई कोई याद नहीं होगा, जितने सारे धंधे धंधे फिल्म स्टार हीरो हीरोइनी का नाम याद होगा, बिना कारण के उल्टा पुलटा चीज सब याद करके बैठे। बच्चों को बड़े संस्कार नहीं डालते, इसलिए धीरे 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 ये भारत तो छोटा होते जा रहा है, एक एक देश को दूसरे दूसरे से आक्रमण करके ले जा रहे हैं। ठीक है, क्या करना, सवेर उठ करके बच्चों को बोलना एक माला जप करें। क्या करना, अरे बोलो जोर से, कौन बोलेगा हाथ उठाओ तो बच्चों को, अरे बोला हाथ उठा करके, हाँ अगर नहीं करेगा तो बोले खाना नहीं देंगे, डांट करेंगे, नहीं माला करो। जैसे मुसलमान लोग बच्चे को जोर जबरदस्ती ले जाते हैं, टोपी पहना करके मेन रोड जाम कर देते हैं, क्या हिंदू होकर हम नहीं करवा सकते, करवानी चाहिए कि नहीं? तभी तो संस्कार बनेगा बच्चों को, नहीं तो वही बच्चा पर डंडा मारेगा तुम्हारी पीठ को, गर्मी बात नहीं सुनेगा, समझ रहे हो? इसलिए बचपन से बच्चों को संस्कार बनाओ, नहीं तो पैसा कमा करके जाओगे सारा दुनिया की उल्टा पुल्टा काम और स्वर्ग में तुमको दुख होता पड़ा है। ठीक है, इसलिए देखो इधर सुना, हम तुम्हारी बच्चों के लिए, इधर सुन लो, तुम्हारी बच्चों के लिए हम चाहते हैं कुछ अलग क्लास दे, जैसे तुम्हारे बच्चे को अंदर में अच्छे संस्कार आए और बच्चे लोग भी धीरे धीरे भजन में लगे। जिस घर में बच्चे भक्ति करे, राम जैसे बेटा हो, सीता जैसे बहू हो और लव कुश जैसे पोते हो, बस वही अयोध्या, वही अयोध्या, वही भगवान की अयोध्या। मतलब क्या क्या युद्ध नहीं होता, और घर में रामायण हो, घर में रामायण हो, बस रामायण पढ़ेगा तो वहां पर यही शिक्षा दिया, सबसे पहले उठ करके पिता माता की चरण छुओ। आप लोग भी अगर कोई सास ससुर होगा तो सबसे पहले उनकी भी चरण छूना, क्योंकि तुमको देख करके बच्चे वही सीखेंगे, पिता माता पहला गुरु है, इनसे ही बच्चों का संस्कार इनसे ही पढ़ेगा। ठीक है राहुल, यहाँ पर एक बच्चा है, आपको ये थोड़ी सी कुछ बात बताएगा, कैसे आप बच्चों को पर कैसे संस्कार डाल सकते हैं, बच्चों को पर कैसे संस्कार आप डालोगे, बोलो इनको कैसे बच्चों को पर संस्कार डाले। हरे ज्ञानमिदं ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुस्तम्भेन नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सभी लोग हाथ उठाकर जोर से बोलो, मैं नहीं बोलूंगा आप लोग बोलिए, हरे कृष्ण। आप लोग जितने भी लोग हैं वो
उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या प्रश्न है? कि आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसके पीछे का कारण क्या होता है? क्या कोई बता सकता है? किस एक चीज, ऐसी चीज, वस्तु है, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप सारे कार्य करते हैं, बताइए। बता सकते हैं? हाथ खड़े करके बता सकते हैं? ज्यादातर काम में अपना स्वार्थ होता है। नहीं, सुख शांति के, सुख शांति, माता जी के लिए तालियां बजाइए। देखिए, कोई भी वस्तु अगर हम करते हैं, अगर उसमें हमें सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होगी ना, तो हम उस कार्य को करना पसंद नहीं करेंगे। करेंगे? कौन करेगा? नहीं करेगा। तो जो बेसिक हम, हमारे कारण जो होता है कुछ भी कार्य करने का, उसके पीछे क्या छुपा हुआ होता है? ये कारण आनंद। केवल आनंद की प्राप्ति के लिए हम सारे कार्य करते हैं। या फिर दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि सुख आ जाए और दुख चला जाए। हर कार्य इसीलिए करते हैं कि नहीं करते हैं? कि सुख हमारे आ जाए और दुख चला जाए, ठीक है। लेकिन आप इस जगत के अंदर देखिए, इस जगत के अंदर कैसा है? जो सुख है वो किस प्रकार है? बिल्कुल क्षणिक। और जहां पर सुख है वहां पर दुख जरूर ही होगा। आप यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको समझिए। जैसे मान लीजिए एक राजा का राज्य है, राजा का राज्य है, उसमें एक व्यक्ति है जिसने कुछ गलत काम किया। अब वहां पर उसको वो सजा देंगे, तो वो सभी सैनिकों को बुलाते हैं राजा और बोलते हैं कि भाई इसको तुम लेकर जाओ और नदी के बीचम बीच लेके जाओ, नाव में बिठाओ और इसका सर जब तक पानी में डुबाना, जब तक ये मरने वाला ना हो, जैसे ही मरने वाला हो वैसे ही इसको बाहर निकाल लेना। तो सैनिकों ने बोला ठीक है, जो आज्ञा महाराज। तो जब वो गए तो उन्होंने वैसा ही किया, ठीक जैसा महाराज ने कहा। अब जैसे ही उन्होंने उसका सर पानी में डुबाया व्यक्ति का, तो वो बड़ा ही जोर से तड़पड़ाने लगा। कुछ देर तक तो उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कुछ समय हुआ वैसे जोर जोर से तड़पने लगा। अब जब वो पानी के अंदर है तब वो क्या सोच रहा होगा, बताइए? अब मर जाएंगे, कैसे ना कैसे करके मैं इस पानी से अभी के लिए बाहर आ जाऊंगा, यही सोच रहा होगा ना। अगर कोई व्यक्ति पानी के अंदर इसका मुंह किस कोई अगर डुबो दे तो वो उस वक्त क्या सोचेगा कि किसी भी कारण से कैसे भी अभी मैं कैसे ना कैसे बाहर आ जाऊं। उस वक्त उसके लिए ना धन दौलत जरूरी है, ना कुछ भी जरूरी है, बस बाहर आना जरूरी है। तो जैसे ही वो मरने वाला था वैसे ही राजा ने कहा था ना भाई बाहर निकाल लेना, तो सैनिकों ने क्या किया, उसे बाहर निकाल लिया। और जब बाहर निकाल लिया तो वो सुखी हो गया। उसने उसको उस वक्त कैसी अनुभूति हो रही थी कि इससे बड़ा कोई भी सुख नहीं है इस जीवन में। लेकिन अब वो क्या, राजा ने क्या कहा था, जैसे ही थोड़ी देर बाहर आए वैसे क्या करना, पिन डालना, पिन डुबो दे। तो फिर सैनिकों ने क्या किया, वापिस क्या किया, उसको अंदर डुबो दिया। फिर वो तड़पने लगा, फिर बाहर निकाल लिया। तो देखो, इस संसार के अंदर जो सुख और दुख का चक्कर है ना, वो कुछ इसी प्रकार है। एक सुख आता है उसके साथ 100 दुख आ जाते हैं। हम सोचते हैं हमारी शादी हो जाएगी, हम पढ़ लिख के बहुत अच्छे बन जाएंगे, नौकरी करेंगे, है ना। आजकल देखो नौकरी करने वालों की हालत क्या हो गई, नाइट नाइट में काम करते हैं ना। आजकल के बच्चों को हम क्या शिक्षा दे रहे हैं कि भैया पैसा कमाने की मशीन बन जाओ बस, क्योंकि इस जगत के अंदर वही प्रतिष्ठा है। देखो शास्त्रों में ये चीज वर्णन है कि कलयुग का एक ये लक्षण है, केवल पैसे वाला ही क्या होगा, मान्यता प्राप्त करेगा इस जगत के अंदर, कलयुग के अंदर। जिसके पास पैसा है वो सही है, चाहे वो कितने ही गलत काम करे, कितने ही गलत। अभी मुकेश अंबानी है, वो कितने ही गलत काम कर रहा होगा, लेकिन उसके पास क्या है, पैसा है ना, इसलिए उसको सब मानते हैं। बॉलीवुड के जो हीरो हैं, जो आजकल दुनिया को बिगाड़ रहे हैं, वो कितने गंदे गंदे काम करते हैं। देखो टीवी स्क्रीन पे सबके सामने ओपन है ना, कितनी गंदी गंदी मूवीज बनती जा रही, कपड़े छोटे होते जा रहे हैं लड़कियों के, और ये हमारे को शिक्षा दे रहे हैं बॉलीवुड वाले, दे रहे कि नहीं दे रहे। लेकिन उसके पास क्या है, वो पैसा है, प्रेम है, इसलिए हमारे बीच में वो क्या है, प्रसिद्ध है ना। तो इसी प्रकार से आजकल के माता पिता क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को कि भैया केवल पढ़ो लिखो, ये साइंस पढ़ो, ठीक है कॉमर्स पढ़ो,
और बड़े होकर क्या करो, पैसा कमाने लग जाओ, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, और फिर एक दिन मर जाओ। तो एक बार विदेश के अंदर श्रीला प्रभुपाद यानी श्रीला स्वामी महाराज जी जो थे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, उनके पास कोई व्यक्ति आया, ठीक है। उन्होंने महाराज जी ने उससे पूछा, भाई तुम विदेश क्यों आए हो, तुम विदेश क्यों आए हो? तो उन्होंने बोला कि मैंने इतनी पढ़ाई करी है, यहाँ पर मैं कमाने के लिए आया हूँ, पैसे कमाने आया हूँ। फिर पैसा कमाने के बाद क्या करोगे? भाई पैसा कमाने के बाद क्या करेंगे, घर वाले अच्छा रिश्ता देखेंगे, अच्छा रिश्ता देखते ना भाई, अच्छा बच्चा पढ़ने के बड़ा हो गया, विदेश में नौकरी करता है, अच्छा पैसा कमाता है, अब इसके लिए जल्दी से इसकी शादी करने के लिए लड़की देखो। तो उन्होंने लड़की देखी, ठीक है शादी कर लोगे, ठीक है शादी करने के बाद क्या करोगे? तो शादी करने के बाद भाई शादी करने के बाद क्या करेंगे, फिर हमारे बच्चे होंगे, उनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। अच्छा बच्चे होंगे फिर क्या करोगे, फिर उनको ही पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, और वापस वो भी मेरी तरह क्या करेंगे, एक दिन पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगे और विदेश में जाकर या फिर कहीं अच्छी कंपनी में जाकर पैसा कमाएंगे। फिर क्या करोगे कि फिर वो भी एक दिन शादी करेंगे, उनके भी बच्चे होंगे। अच्छा और फिर तुम्हारा क्या होगा कि मैं एक दिन ऐसे करते करते बूढ़ा हो जाऊंगा, और फिर बूढ़े होने के बाद क्या होता है महाराज जी, मर जाऊंगा और क्या करूंगा। अच्छा तो तुम विदेश केवल मरने आए हो, क्या बोले, विदेश केवल तुम मरने आए हो। तो अब देखो पूरे जीवन में हम कैसे कैसे कर्म करते हैं, कैसे कैसे किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी की अपमान करते हैं केवल एक कुछ सैलरी की नौकरी प्राप्त करने के लिए, और यही हम हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं। तो देखो जिस प्रकार से इस जगत का अंदर सुख है ना, वो कैसा है, थोड़ी देर के लिए सुख और उसके बाद केवल दुख। तो हम हमारे बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि कुछ देर तक तुम्हें सुख मिलेगा, क्योंकि देखो पूरा महीना हम काम करते हैं, 30 दिन काम करते हैं, मेहनत रात दिन एक करके, कमर दुख रही है, आंखें दुख रही है, हाथ पैर दुख रहे हैं, और फिर जैसे ही दुख जब 29वां दिन आता है तो 30वें दिन क्या होता है, सैलरी आने वाली होती है, 1 लाख रुपए बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अरे वाह 1 लाख रुपए आ गए, अब इससे मैं ये करूंगा वो करूंगा, और थोड़ी सी देर के लिए सुख आया, सैलरी खत्म हो जाती है, फिर से वो गधे घोड़े की तरह 30 दिन काम करने में लग जाते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे को हमारे बच्चों को कैसे संस्कार देने चाहिए। श्रीला सनातन गोस्वामी पाद जिनकी अभी तिरुभाव तिथि थी ना, गुरु पूर्णिमा पे मुंडिया पूर्णिमा भी बोलते हैं, वो जब महाप्रभु से मिले तब उन्होंने कुछ प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए हमारे बच्चों को और हम सबको, हमसे भी ये प्रश्न पूछने चाहिए। तो उन्होंने बोला के आमी केने अमाय जारे ताप धराय इह नहीं जानी के मने हित है। बोल रहे हैं कि के आमी यानी मैं कौन हूँ, सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या होना चाहिए, मैं कौन हूँ, क्योंकि हम सारा जीवन क्या सोच के निकालते हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ, बस केवल शरीर में हूँ और शरीर से संबंधित जो भी है वो सब मेरा है, यही हमारी बुद्धि होती है। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा केने अमाए जारे ताप तराए, के हे महाप्रभु ये 3 ताप जो है मुझे क्यों सता रहे, 3 ताप कौन कौन से है कोई बता सकता है, आदि देविक आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के त्रिताप बोले जाते हैं शास्त्रों के अंदर। आदि देविक मतलब जो देवता लोग हमारे को दे रहे हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, अभी देखो कितना बुरा मौसम हो रहा है, पसीने पसीने आ रहे हैं, है ना, उमस हो रही है, तो ये सब क्या देवताओं के द्वारा जितने भी दिए जाने वाले कष्ट है जिनको बोलते हैं आदि देवी, जोर से बोलो क्या बोलते हैं, आदि देवी, और आदि भौतिक। आदि भौतिक क्या, जैसे कोरोना आया था अभी, आदि देवी की है, अभी कहीं कहीं सुनते होंगे कहीं बहुत बाढ़ आ रही है, अभी बोलते कहीं आकाश फट गया, कुछ दिन पहले जैसे केदारनाथ में हो गया था, अभी भी कहीं ऐसे हुई है, अब सब जानते हो सब। आदि भौतिक आदि देवी क्या हुआ, देवी देवताओं के द्वारा जो दिए गए। अब आदि भौतिक क्या है, जो दूसरे जीव से हमारे को मिलते हैं, यानी मच्छर काट रहे हैं रास्ते जा रहे हैं कुत्ते ने काट लिया, या फिर कोई व्यक्ति हमारे को सास हमारे से लड़ रही है ना, तो ये प्रकार के जितने भी है, ऑफिस में बॉस हमारे को डांट रहे हैं, ये क्या है आदि भौतिक, और आदि आध्यात्मिक ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें हम हमारे अपने आप से लड़ाई लड़ते हैं,
यानी जो हमारे मन के द्वारा हमारे को कष्ट दिए जाते हैं, डिप्रेशन हो रहा है आजकल कलयुग के अंदर, ये सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है ना। कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, एग्जाम में फेल हो जाते हैं, पूरी जीवन ही खत्म कर लेते हैं। और आप बड़े बड़े लोग भी, यहाँ तक कि विदेश में तो एक ऐसी मशीन आ गई है जिसमें आप खुद को क्या कर सकते हो, आत्महत्या कर सकते हो उस मशीन के अंदर डाल के। वो आपको क्या करेगी, 2-3 सेकंड में जला देगी, राख कर देगी, मतलब सरल मृत्यु प्राप्त कर सकते हो जाके। तो ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। आप माइकल जैक्सन को देखो, माइकल जैक्सन को जानते हो, कितना बड़ा डांसर था ना, वो केवल 50 लाख से भी महंगा उसका बेड था, बड़ा अच्छे गद्दे वाला, लेकिन फिर भी पता नहीं कितने डिप्रेशन पिल्स लेकर केवल 2 घंटे सोता था। बताओ, इतना फेम प्राप्त किया, इतना पैसा प्राप्त किया, फिर भी 2 घंटे की नींद नसीब नहीं हो रही उसको। तो ये क्या है, आदि आध्यात्मिक, जो की मानसिक रूप से हमारे को मिलते हैं। फिर पूछ रहे हैं सनातन गोस्वामी, इह नहीं जाने के मन हित हाय, कि हे भगवान मैं ये नहीं जानता कि मेरा मंगल किसमें है। तो आज के जो माता पिता है ना, उनको ये शिक्षा देनी चाहिए अपने बच्चों को कि उनका मंगल किसमें है। ऐसा नहीं कि हमारा स्वार्थ किसमें है कि हमारे को प्रतिष्ठा मिलेगी, तू डॉक्टर इंजीनियर बन के बहुत बड़ा व्यक्ति बहुत पैसा कमाने लग जाएगा तो पूरा जगत हमारे को क्या करेगा, अरे वाह तुम्हारा बेटा इंजीनियर बन के इतने रुपए कमा रहा है, अच्छा वाह भेड़ चाल जहाँ दुनियादारी घूमे जाऊंगा। हम ये नहीं देखते कि हमारे बच्चे का मंगल किसमें है, बच्चे का मंगल किसमें है। तो कितने प्रश्न हो गए, ये 3 प्रश्न पूछे, कौन कौन से, के आमी के ने अमाए चारे ताप तराए, इह नहीं जानी के माने हित हाय। अब देखो सबसे पहला प्रश्न है कौन हूँ मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ, सबसे पहला ये बनता है मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। जैसे भी हमारे गुरु महाराज बता रहे थे ना भरत महाराज जी के चरित्र में, उन्होंने क्या बोला, भैया शरीर तो मोटा पतला होता है, आत्मा थोड़ी ना मोटी पतली होती है, होती है क्या, नहीं होती ना। तो उसी प्रकार से हम क्या है, आत्मा। और हमारे को ये देखना चाहिए कि इस आत्मा से किसका संबंध है और इस आत्मा का परम मंगल किसमें है। तो महाप्रभु उनको शिक्षा दे रहे, देखो भाई तुम कौन हो, सबसे पहले शरीर नहीं तुम आत्मा हो, आत्मा। और आत्मा कौन है, भगवान की, बोल रहे की जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। बोल रहे की जीव यानी आत्मा, जीव आत्मा क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास है। कौन है, कृष्ण का नित्य दास, यानी हम भगवान के क्या है, सेवक है। और भगवान की सेवा करने से ही क्या होगा, हमारा वास्तविक मंगल होगा। तो ये भगवान ने यहाँ पर क्या दिया, सनातन गोस्वामी पाद को उपदेश दिया। और ये जो जारे ताप तराए, ये जो 3 ताप है तुम्हारे को क्यों सता रहे हैं 3 ताप, क्योंकि हम इस संसार के अंदर आकर क्या करते हैं, भगवान का भजन ना करके केवल मात्र किन चीजों में लगे हुए हैं, संसार की वार्ताओं में लगे हैं, विषय कथा सुनने में लगे हैं, ठीक है ना, किसमें लगे हैं, जो मिल गया वो खा लिया। जैसे बताया था ना प्रभु जी ने कि किस प्रकार के श्रोता होते हैं, एक श्रोता होता है बैल, वो क्या करता है, जो मिला वो खाने लग गए। अभी आप यहाँ पे कथा सुन रहा है कोई व्यक्ति, बाहर जाके संसारिक बातों में लग जाएगा, कोई खाने लग जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, कभी मंगल हो नहीं सकता। इस प्रकार से हमें किस प्रकार से बनना है, मधुमक्खी की तरह, जो केवल कहाँ पे जाके बैठती है, सुगंधित फूलों पर, यानी केवल हरी कथा के लिए इन कानों को क्या करना है, हमारे को उपस्थित करना है, हरी कथा के अलावा किसी चीज में उपस्थित नहीं करना है। तो यहाँ पर ये श्री सनातन गोस्वामी पाद के उपदेश थे, जो कि उन्होंने किससे लिए, महाप्रभु से लिए, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से। अब देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हर नहीं जानी के मन हित है। एक्चुअली हम सब ये नहीं जानते कि हमारा हित किसमें है, हमारा मंगल किस वस्तु में है, या फिर हमारे बच्चों को क्या करने से मंगल होगा। जैसे भी गुरु महाराज बता रहे थे कि देखो आजकल कैसे प्रकार की जगत हो गया, हमारे बच्चों को हम बचपन से ही क्या शिक्षा देते हैं, भाई टीवी देखो, है ना, टीवी देख के बॉलीवुड स्टार है, कैसे प्रकार से किस प्रकार के गानों पे नाच रहे हैं बच्चे,
इतने गंदे गंदे प्रकार के गाने आ रहे हैं बॉलीवुड के अंदर, और ये बॉलीवुड पूरी संस्कृति को नष्ट करता जा रहा है हमारी भारतीय संस्कृति, और उस पर हमारे बच्चे नाचते हैं और हम खुश होते हैं, अरे वाह देखो हमारा छोटा बच्चा नाच रहा है, और एक उससे गीता का श्लोक या चौपाई पूछ लो रामायण की तो उसको कुछ आता ही नहीं, पता ही नहीं है। तो देखो सबसे बड़ा जो प्रश्न है इस जगत का वो ये है कि हमें शांति की प्राप्ति कैसे हो। शुरू में मैंने बताया था ना कि इस जगत के अंदर किस प्रकार का सुख है, अभी सुख है थोड़ी देर बाद दुख है, तो ये सुख परमानेंट कैसा हो, यानी निरंतर ये सुख कैसे हो। तो गुरु जी ने कल ये श्लोक बोला था, सवै पुंसा परो धर्मा यतोर भक्ति यदोक्षरे अहे तु की अप्रतिहता ययमात्मा सुप्रसीदयति। बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे, सवै पुंसा परो धर्मा, क्या बोल रहे हैं कि सभी जीवों का एकमात्र धर्म क्या है, क्या है, यतोर भक्ति अधोक्षजे, यानी जो अधोक्षज भगवान है उनकी भक्ति करना ही सभी जीवों का क्या है, एकमात्र धर्म है। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कल बताया था, बताइए, ऐसे काम करते रहो, भगवान के नाम लेते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। अहेतु की अप्रतिहता, बोल रहे कि अहेतु की यानी केवल मात्र जिसके भगवान ही हेतु हो, यानी उस भक्ति करने से हमारे को ऐसी भक्ति नहीं करनी, अरे भगवान की भक्ति पूरे दिन भर कर रहा है बाहरी रूप से और अंदर क्या हो रहा है, अरे भगवान मुझे संतान प्राप्ति हो, अरे भगवान उसका घर छोटा है पड़ोसी का मेरा थोड़ा बड़ा घर बन जाए, अरे भगवान देखो वो BMW ले आया मेरे को, कम से कम आपको ऑडी तो दिला दूं, है ना, ऐसी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अहेतु की, यानी जिसका हित केवल क्या हो, कृष्ण हो, यानी कृष्ण की प्रसन्नता ही उस भक्ति का हित हो। अब दूसरी बात, अहेतु की अप्रतिहता, यानी अप्रतिहता का मतलब क्या है, भक्ति कैसी होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए। जैसे अगर किसी व्यक्ति को IAS बनना है तो वो अगर 2 दिन पढ़ाई करे और बाकी दिन पढ़ाई नहीं करे तो क्या वो बन जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, जब तक IAS का एग्जाम नहीं आ जाता तब तक उसको बोलते हैं कि 12-12 14-14 घंटे पढ़ना पड़ता है, 22 घंटे भी पढ़ता है, नींद को भी त्याग देते हैं लोग, त्यागते नहीं त्यागते साधारण IAS बनने के लिए, और वो भी जब हम मर जाएंगे तो अगले जन्म में क्या हमें वापिस मिल जाएगी IAS की पोस्ट, फिर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि भक्ति कैसी है, भक्ति भी इसी प्रकार से होनी चाहिए, निरंतर मई, जैसे बोला था ना शहद को अगर आप गिराओ कंटिन्यू तो एक धारा बन जाती है, धागा बन जाती है ना, धारा बन जाती है ना, वो निरंतर मई हो जाती है। तो उसी प्रकार से हमारी भक्ति भी होनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। देखो ये बच्चा भक्ति करता है, इसने पढ़ाई नहीं किया, अच्छा पढ़ाई किया है, तिलक लगाए, गले में कंठी, देखो धोती कुर्ता पहना है, अगर बच्चों को अच्छी संस्कार मिले ना फिर बच्चे अच्छे रास्ता पर जाते, उसका बहन भी पास में बैठे, खड़े हो जा शर्मा देखे, खड़े हो जाए उधर घूम जा, देखो इसको गले में देखो तुलसी की कंठी, देखो तिलक लगाती है, तुलसी की कंठी, देखो गले में माला झूल रही है, नौकरी करती है, क्या क्या कहाँ पर पढ़ी हो, इंजीनियरिंग की हुई है, नौकरी कहाँ, बहुत बड़ी कंपनी में, कंपनी में नौकरी करती है, लेकिन देखो ये भक्ति में जुड़ी हुई, देखो कैसे कथा में बैठी, अगर तुम्हारे बच्चे होंगे तो क्या करता तो तुम्हें पता होगा, हमारे बच्चे क्या करते हैं तो तुम्हारी सारी बात पता होगा, अभी कहाँ पर क्या करते होंगे, लेकिन ये भक्ति में जुड़ने पर देखो बैठी कर कथा सुन रही है, इंजीनियरिंग की हुई, बड़ी कंपनी में काम कर रही है, तनख्वाह कमा रही है, हम भजन भी करती है, हाँ जिस घर में बच्चे ऐसे भक्ति करना वो भगवान का धाम हो जाता है ना, बच्चा अगर गलत रास्ता पर नहीं जाए, पिता माता को सम्मान दे, सेवा करे, वही तो भगवान का धाम, वही तो वृंदावन, वही तो अयोध्या, ठीक है ना, आप चाहते हो बच्चे ऐसे बने, कौन करना चाहते हो, अगर चाहते हो देखो अभी जो बच्चा कथा कर रहा था ना, अरे भैया गौर सुंदर देखो, ये बच्चा जो अभी कथा कर रहा था ये तुम्हारी बच्चों के लिए अलग क्लास देगा, ये बच्चा
ये भी बहुत बड़े कंपनी में करके लाख रुपया की तनख्वाह था, अभी तो उसको बहुत पैसा हो जाता है। आटम तो कंपनी में नोएडा में नौकरी करता था, एफटी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन ये भी छोड़ करके लोगों को भक्ति में लगाए, भक्ति प्रचार करे, हमारी सनातन धर्म में जगत में प्रचार हो, इसलिए ये लोग, इसलिए हम चाहते हैं तुम्हारे बच्चे भी ऐसे बने, अपना घर की हस्ती करे, पैसा कमाए, खूब करे, लेकिन भगवान की भक्ति को साथ में सारे काम करें, ठीक है ना। हम चाहते हो तुम्हारे बच्चे लोग ऐसे बने, ये तुम्हारे बच्चों के लिए अलग क्लास देगा, ठीक है, चाहते हो तुम्हारे बच्चों को अलग क्लास दे। इसलिए कल बोल सकते थोड़ी सी दो मिनट बोल दो, ठीक है, कल बोलेगा दो तीन दिन के लिए तुम्हारे बच्चों को क्लास देगा, ठीक है। हाँ, बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने पहले बताया ना, कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले, कौन सा रंग के साड़ी पहन कर आओगे? पीला रंग की, नीला नहीं, पीला नहीं मिलेगा तो घर में नहीं होगा तो उधार करके पहनना, लेकिन पीला रंग और घर से कुछ ना कुछ टफी खिलौना कुछ कुछ लेकर के आना, क्योंकि कहाँ खड़े हो, अरे माता बैठ जाओ वहाँ, बैठ जाओ दो मिनट बैठ जाओ, अभी प्रसाद लेकर नहीं जाना, खड़े बताओ बैठ जाओ वहाँ पर, छटपट कर रही टीवी देखो तो तीन तीन घंटा बैठिए टीवी देखो, हाँ बैठो, हरे कृष्ण देखो, हाँ दो मिनट की कथा सुन लो, फिर आरती होगी, फिर प्रसाद लेकर के सबके सब जाना। हाँ देखो, एक समय श्री परिकृत महाराज भ्रमण करते करते हठात उन्होंने एक भयंकर चीज को देखा, क्या देखा, एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही थी, और एक बैल को देखा उसकी तीन पैर नहीं, वो एक पैर में खड़ा हुआ, कितने पैर में खड़ा हुआ, और वो एक पैर को तोड़ने के लिए कि शूद्र राजा लंबे चौड़े एक डंडा ले लेकर के उसको पैर को मार रहा था तोड़ने के लिए, और उसी समय में विष्टा पुत्र को त्याग कर रहा था। परिकृत महाराज को बड़ा क्रोध आया, मेरे देश में इतना अन्याय, निकाला उन्होंने तलवार छपट बना मारने के लिए, लेकिन वो था कली, उसको पता था कि अर्जुन का वंशज है, अगर कोई शरणागत हो जाए कभी उसको मारते नहीं, सीधा चरण में लेट गया। बोले बताओ तुम कौन? बोले कली हूँ। बोले ये गैया कौन? बोले पृथ्वी। बोले ये क्यों रो रही है? बोले कृष्ण चले गए, अभी कली युग आएगा, लोग बड़े पाप कर्म करेंगे, अगर पृथ्वी के ऊपर में कोई पाप कर्म करे इसलिए पृथ्वी दुखी हो रही है, ये पाप कैसे सहन करूं? बोले ये बैल कौन? बोले ये धर्म। बोले इसकी तीन प्यार कहाँ गया? बोले सत्य त्रेतय द्वापर, ये तीन युग बीत चुका है, धर्म का तीन चरण समाप्त हो गया, अभी धर्म केवल एक चरण के ऊपर खड़ा हुआ। बोले तू क्या कर रहे हो? बोले मैं भी एक प्यार को तोड़ने के लिए कोशिश करता हूँ, कलयुग में कोई धर्म कर्म रहन नहीं दूंगा। बोले जब तक मैं रहूंगा तेरा कोई स्थान नहीं, निकल जा यहाँ से, नहीं तो दंड तेरे को दूंगा, हत्या कर डालूंगा। बोले कहाँ जाऊं? सत्य तृतीय द्वापर तीन युग तो राज्य तो की, अब जब उनको स्थान दिया मुझको भी स्थान दो। परिकृत महाराज सोच रहे हैं कलयुग में अगर मैं कली को स्थान देता हूँ उसमें क्या लाभ और क्या नुकसान है, देखा नुकसान तो बहुत कम है लेकिन लाभ ज्यादा है। बोले क्या लाभ है? बोले कलयुग के वह नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नरा, अगर कलयुग में थोड़ी सी भगवान के नाम को कर लेना बड़ा पार हो जाएगा। सत्य त्रेतय द्वापर युग में कठोर परिश्रम करके जो फल को प्राप्त करते थे, कलयुग में थोड़ी सी भक्ति करो, भगवान के नाम लो, वही फल मिलेगा। इसलिए उन्होंने कली को बोले भैया तू तेरे को जाने का जरूरत नहीं, अभी ध्यान देकर देखो कलयुग में जो भगवान की जो नाम यही दबा है, जैसे किसी अच्छे डॉक्टर को पास में जाओ, डॉक्टर कोई बहुत बड़ी बीमारी, डॉक्टर बोलेगा देखो बहुत अच्छा दवा तेरे को दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप परहेज को साथ में दवा लोगे ना बहुत जल्दी असर करेगा, अगर बगैर परहेज को दवा लोगे तो लेकिन काम नहीं करेगा है। उसी तरह कलयुग में दवा किया बोले ठाकुर का नाम, बोले परहेज किया इसको ध्यान से सुन लो, चार नियम को पालन करना, पहला नंबर जुआ नहीं खेलना, ठीक है ना। इसलिए परिकृत महाराज सम्राट थे लेकिन जुआ खेल करके बोले देखो मेरे कितने सत्यानाश हो गया, भाई गया, भाइयों को राज्य गया, भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरण देखना पड़ा,
और 12 साल तक जंगल में रहे और 1 साल तक अज्ञात वास किया, कितने कष्ट उठाया। अगर कोई जुआ खेलेगा उसको कितने नीचे उतरेगा, इसलिए कभी जुआ नहीं खेलनी चाहिए। जुआ खेलने से सत्य खत्म हो जाता है, देखना जो जुआ खेलता है ना झूठ 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 बोलता रहता है। दूसरा नंबर पांडव, पांडव मतलब होता है किसी तरह का कोई नशीली वस्तु, जैसे पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब, ये सब चीजों को नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। शराब भी नहीं लेनी चाहिए, इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं जो शराब पीते हैं उसको 3 लाभ है। कितना लाभ है जोर से बोलो, क्या क्या बोलो। देखो पहला लाभ है वो व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा, बोले बूढ़ा होगा नहीं मतलब क्या, बोले जिंदा रहते हुए तो बूढ़ा होगा, वो तो पी पा करके खत्म हो जाएगा कम उम्र में हैं। इसलिए कुछ दिन पहले मेरे पास में एक माता जी हरि नाम लेना है, जो 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने पूछा इसकी बच्ची, इसका पिताजी कहाँ, बोले मर गया। बोले मर गया मतलब कितने उम्र में, देखा उसको पत्नी 30 साल की है, कैसे मर गया, बोले शराब पीता था, शराब पी 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 करके लास्ट में जब पता चला दोनों लीवर खराब हो गए, बचने का कोई सवाल नहीं था। इसलिए भैया अगर जल्दी मरना तो शराब पियो, इसलिए क्या शराब पीने से क्या होगा बूढ़ा नहीं होगा। दूसरा लाभ क्या, बोले घर में चोरी नहीं होगी, बोले चोरी नहीं होगी मतलब क्या, बोले घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, घर में जो कुछ होगा बेच बाच करके पी पा कर खत्म कर देगा, बोले चोरी किसी चीज की होगी इसलिए। और तीसरा लाभ है कुत्ते दोस्त बनेंगे, बोले मतलब क्या, बोले कहीं पी पा करके पढ़ा रहेगा कुत्ता आकर के मुंह चाट जाएगा, इसलिए कहते ये सब चीज चाहिए, ठीक है ना। और नस्ली वस्तु कोई पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा गुटखा नहीं लेना, ठीक है ना, गुटखा गुटखा नहीं खानी चाहिए। इसलिए गुटखा का जो पहला अक्षर बताओ तो क्या, बोलो गुटखा का पहला अक्षर क्या है, गुटखा नहीं ये गु है, इसलिए जिसने ये गुटखा का कंपनी खोला था ना वो स्वयं कैंसर बीमार में भरा, खुद तो भरा दुनिया को मरवा कर उसने गया, इसलिए ये चीज को नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और जो तीसरी चीज स्त्री, बोले स्त्रियों को ऊपर में कलिका निवास, बोले कौन सा स्त्री, बोले जो अवैध रूप में पुरुष स्त्री और स्त्री जो पुरुषों को साथ में मिलते हैं, मतलब है संसार करो शादी सुधा करके अपना धर्म पूर्वक अपना गृहस्थ जीवन को बिताओ, बगल शादी के जो स्त्री पुरुष पुरुष से स्त्री मिलते हैं है? जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, शास्त्र इसको बहुत विरोध किया, ये पंचम स्कंध में बताए जो व्यक्ति बंगल स्त्री से कोई अवैध पूर्वक मिलते हैं मरने का बाद लोहे की स्त्री बना करके एकदम गर्म स्त्री बना करके उसको चोर जबरदस्ती आलिंगन करवाते हैं, इतने कठोर दंड उसको मिलता है। इसलिए संसार करो अच्छी बात है, शादी करके अपना पति पत्नी धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी को निभाओ, इसको करने से पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा नंबर है जीव हिंसा, जीव हिंसा सबसे बड़ा पाप बताया। जीव हिंसा मतलब है मांस खाना, मछली खाना, अंडा खाना और ये प्याज लहसुन भी खाना, समझ रहे हो। इसलिए जब मांस का जो शब्द है, मांस मतलब कुछ को, सा मतलब वह, मतलब अभी जिसको तू खा रहे हो बाद में तेरे को जो खाएगा, इसलिए अंग्रेजी में कहते मीट बी ईट और उल्टा तो ईट बी, मतलब जिसको तुम खा रहे हो अगले जीवन में वही तुमको फिर खाएगा, इसलिए जीवन में ये सब चीज को हमें त्याग देनी चाहिए। केवल ये 4 चीज को त्याग दे दो, अंडा फंडा भी नहीं खानी चाहिए। ये गांधारी की जब 100 बच्चे मर गए ना कृष्ण को पास में गए, बोले क्यों 100 बच्चे मरना देखना पड़ा, बोले पहले जीवन में तुमने 100 अंडे खाए थे और एक एक अंडा में एक एक बच्चा होता है, तुमने 100 अंडे नहीं 100 बच्चों को तुमने खाया, इसलिए इसी जीवन में तेरे को 100 बच्चों की मृत्यु देखना पड़ा है। इसलिए केवल ये 4 नियम का पालन करो, लेकिन जब 4 जगह दे दिया तभी कुछ नहीं हुआ, तभी वो खुश नहीं हुआ, बोले मैं कहाँ कहाँ ढूंढू, ऐसे के जगह दे दो जहाँ पर सब मिल जाए। तब उन्होंने सुवर्ण पर स्थान दिया, कहाँ पर स्थान दिया बोलो, सोने में, सोने में मतलब पैसा है। आप देखना कि ज्यादा पाप कर्म कहाँ पर होता है, सारे जितने ज्यादा पैसा जहाँ पर है ना वहीं पर देखना जुआ, वही
वहीं पर देखना मांस, वहीं पर देखना शराब, वहीं पर देखना सारे गंदी काम देखना, वहीं सारे चीज वहीं पर होती है। अभी प्रश्न है भैया, जो पैसा है ये तो लक्ष्मी है, पैसा कौन है? जोर से बोलो लक्ष्मी। ये लक्ष्मी के कैसे और मूल लक्ष्मी राधा रानी, पर इनमें ये कली को स्थान कैसे होता है, ये चीज को समझ लो। बोले लक्ष्मी के दो बहाने हैं, कितने बहाने हैं? क्या क्या? एक है उल्लू, आप देखना उल्लू को, उसको ऊपर लक्ष्मी को अकेले बैठे हुए देखोगे। अगर जो व्यक्ति माँ लक्ष्मी को बुलाती है, बोले माँ लक्ष्मी घर में आओ, बोले क्यों? बोले तेरे को हम भोग करेंगे, तेरे को भोग करेंगे। लक्ष्मी बोली कि मैं तो नारायण की, तुम मेरे को क्या भोग करोगे? इसलिए लक्ष्मी वो उल्लू को ऊपर बैठी करके आती है और हमको उल्लू को पट्टे बनाती है, हमें उल्लू बनाती है, मुर्गा बनाती है। हाँ, लक्ष्मी के बगैर कुछ भी नहीं होता है, पैसा के बगैर कुछ नहीं होता। लक्ष्मी को बुला, माँ लक्ष्मी आओ। बोले क्यों? बोले भगवान की सेवा के लिए। लक्ष्मी तो नारायण की ना है, आप देखना कभी गौरव को भी एक बहाने लक्ष्मी की, आप नजर करके देखना गौरव को ऊपर में अकेली लक्ष्मी को नहीं देखोगे और नारायण को साथ में देखोगे। किसको साथ में? नारायण का मतलब है अगर लक्ष्मी को ठाकुर को सेवा में लगाओ, लक्ष्मी को बुलाओ घर में, ठाकुर को सेवा के लिए बुलाओ ना, वो उल्लू को ऊपर बैठ करके नहीं, किसको ऊपर बैठ करके आएगी? वो गौरव को ऊपर बैठ करके आएगी। गौरव कहाँ रहते हैं? बोले वैकुंठ में। खैर ये लक्ष्मी तुम्हारी घर को वैकुंठ बना देगी। क्या बना देगी? वैकुंठ बना देगी। इसलिए खूब लक्ष्मी को बुलाओ, भगवान के लिए बड़े सुंदर सुंदर भजन बनाओ, बगैर प्याज के सुंदर भजन बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, बस ठाकुर को भोग लगाओ, ठाकुर को सेवा करो, तुम्हारी घर ही भगवान की धाम बन जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की। और 5 मिनट, ये 5 मिनट बैठ कर था कि हरिनाम कर लेंगे, ठीक है? आज हमने माला लेकर के आपके लिए आए। हाँ देखो, मैं कल बताया था ना, महाप्रभु क्या बोलते हैं, जो लखपति होगा उसको घर में भोजन करेंगे, नहीं तो भोजन नहीं करेंगे। लखपति कब बनोगे? जब भगवान की 1 लाख हरिनाम करोगे। मेरे तरफ में देख लो और एक बार देख लो, जैसे ये माला है, ये माला को कैसे करते देख लीजिए, ये अंगुल को उसमें टच नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये गंधा अंगुल, ये सबसे पहले निकलता है, कहते ना तेरे को हम देख लेंगे, इसलिए ये अंगुल को बाहर निकालना, ये बीच वाले अंगुल को ऊपर भी ये माला रख लेना, रख करके जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे मतलब क्या? हमारे दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए हरे। कृष्ण मतलब क्या? आप देखना घर में कभी कभी सब कुछ चीज, लेकिन मन में शांति नहीं, मन में शांति नहीं। गृह मतलब होता है आकर्षण करना, स्ना मतलब आनंद देना, ये कृष्ण नाम लेने से मन को शांति मिलती है। राम मतलब क्या? बोले जीवन में जो आराम दे, क्या दे जीवन में? जीवन में तो यही चाहते है ना, शांति सुख और आराम मिले, ये भगवान का नाम से सब कुछ तुमको मिलेगा, ठाकुर को नाम से ही शांति सुख मिलेगा। इसलिए देखना हनुमान जी शंकर जी सबके सब ठाकुर जी की नाम ही जप करते हैं, ठीक है? और कल बताया था ना, जैसे हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोल करके एक मोती सरकेगा, फिर दो बोल करके दो मोती सरकेगा, ठीक है? और जब ये खत्म हो जाएगा पार नहीं करने का, आपको देखो आप लोगों को एक माला देता हूँ, देखो जिनको आप पास में नहीं उनको देना, देखो बच्चा ए, जो हमारे भक्तों को नहीं, हमारे भक्त लोग पर माला है, जो भक्त नहीं जिसको माला नहीं उनको दो, और ये माला करने के बाद फिर वापस ले लेंगे, आपको माला नहीं देगी, आपको माला दे नहीं रही, केवल जप करने के लिए दे रही, माला करने के बाद वापस ले लेंगे, और जिनकी इच्छा है तो माला लेने के लिए बात कर, ठीक है? माला लेकर नहीं आई, जिसको वैसे माला नहीं, बड़ा फटाफट दो, फटाफट दो, फिर वापस दे देना, लेना नहीं। क्या बच्चा ले जाओ तुम? हाँ देखो, जब माला करोगे ना, समझना वृंदावन में हम ठाकुर जी के चरण में बैठे, ठाकुर जी की चरण में बैठे करके हरि नाम कर रहे हैं। अब मेरे तरफ में देख लो, मेरे तरफ में देखो कैसे माला करोगे, ये अंगुल को टच नहीं करना, ये इसका ये बीच वाला अंगुल को रखना, ठीक है?
ये बीच वाला अंगुल को पर रख करके एक तरफ से माला करना। और सबके सब जब माला करो जोर जोर से बोलना है, मुंह बंद नहीं करना, ठीक है। जो हरिनाम करेगा उसको पाप तो उड़ जाएगी, लेकिन जाकर बैठेगा कहाँ पर जो करेगा नहीं, इसलिए सबके सब जोर जोर से मेरे साथ में बोलना। दे दिया कि नहीं, फटाफट दे दो। अब जिन लोगों के पास में पहुंचा नहीं कोई चिंता नहीं, आप लोग मेरे साथ में करो आपको फल मिलेगा। इसलिए जिनको पास में पहुँच गया तो अच्छी बात है, जो नहीं पहुँचा आप मेरे साथ साथ में करो। हरे कृष्णा, ठीक है, कोई चिंता नहीं, जिनको पास में नहीं पहुंचा मेरे साथ भी करो। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे, सबसे जोर जोर से बोला कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबके से माला वापस दे दो, कोई लेना नहीं पाप लगेगा, सबसे माला कलेक्शन कर दो, कोई लेना नहीं पाप। एक तो व्यक्ति खड़े हो जाओ, तो खड़े होकर के बीच से कोई एक माता खड़े हो जाओ, माता खड़े होकर के सब माला एक कर कर लो, रोज रोज आप एक एक माला करके बढ़िया करते हमारे जय हो श्री। तो
राम की।